गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। सबसे पहले बच्चे, आप लोगों के लिए दो बात बता दूँ। एक तो अंकित सर की कल मैराथन क्लास है, तो 7 बजे से उसकी टाइमिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सबसे सुनहरा मौका है कि 4 घंटे में ही आप 3 चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। कल वो 3 चैप्टर कराने वाले हैं, एक तो साझेदारी, एक पाइप तथा टंकी और एक मिश्रण। तो इन 3 चैप्टरों से अगर आपको डर लगता है तो वो डर बिल्कुल कल ख़त्म हो जाएगा। टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की टाइमिंग है बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे काम एक तरफ रख के क्लास को बिल्कुल भी लेना ना भूलें। जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें बच्चे, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? दूसरी बात यह है कि 31 अक्टूबर को आप लोगों का टेस्ट है एक दिल्ली पुलिस का। बच्चे वो आप अपने मतलब कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो आप लोग, आप उस टेस्ट से बता पाओगे, टेस्ट से देख पाओगे कि हम लोगों की तैयारी अभी कितनी है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 चैप्टरों से एक एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, तो अगर आपके 4 घंटे में 3 चैप्टर हो रहे हैं तो भैया फ़ायदे का सौदा है, फ़ायदे का सौदा है, तो इस फ़ायदे को लेना ना भूलें। मेरी बात समझ रहे हो ना? दूसरी सबसे मेन बात क्या है बच्चे, कि कल मेरी क्लास नहीं होगी, ना ऐप की क्लास होगी बच्चे। कल मुझे कहीं अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से कल मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। तो एक बार अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें, अगर मैं नहीं बोल पाया हूँ सुबह ऐप वाली क्लास में, तो एक बार अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें। जो यहाँ लोग हैं, जो बच्चे यहाँ हैं सुबह की क्लास करते हैं, उनके लिए मैसेज मिल ही चुका है कि कल मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी? चलो भाई अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो अतुल रहमान जी, शैलेंद्र सिंह यादव, सधाना, अरुण कुमार, रवि वर्मा, चलो एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें, एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। सर की शादी है? अबे फालतू की बात मत करो, सर की शादी है बच्चे। इतना ध्यान हम लोगों को पढ़ाई में लगाना, इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचा है। अंकित चौधरी जी कैसे नाराज है भाई, कैसे नाराज हो? रोहित, मनीष डागर जी, गुरुजी लाइक करना, भाई लाइक तो करना पड़ेगा भाई, बिना लाइक के मामला कैसे जमेगा? क्या हाल है सर? एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। आज एनटीपीसी का मॉक टेस्ट 11 है, सर टिग्नोमेट्री की क्लास नहीं मिल रही है बच्चे। यूपीएसआई के फोल्डर में टिग्नोमेट्री की क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपीएसआई में हमारी टिग्नोमेट्री है ही नहीं। अगर आपको टिग्नोमेट्री करनी है तो आप AWO वाले सेक्शन में जाके एडवांस मैथ से टिग्नोमेट्री कर सकते हो, लेकिन वो मिलेगी कहाँ? वो AWO के सेक्शन में मिलेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? महेंद्र कुमार, राम राम भाई, कृष्णा सिंह, मंकिल गोस्वामी, बुलंदशहर, जोरदार सर जी, राजा राजपूत, जय श्री राम, अंकित चौधरी, एनटीपीसी में भी होता है टिग्नोमेट्री, बिल्कुल होता है, एडवांस मैथ का पोर्शन काफ़ी होता है। अमित राघव, सर मेरी कभी नहीं सुनते, एनटीपीसी मॉक ज़्यादा कराओ। अच्छा भाई, अच्छा बिल्कुल, ग्रुप डी का ये कम कर देंगे हम, 3 दिन एनटीपीसी ले लेंगे। एक बार सर से बात कर लेता हूँ, जैसा सर कहेंगे हम एनटीपीसी को बढ़ा देंगे, ग्रुप डी को थोड़ा कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बारात में लेके चलियो, फिर लाइक कर दिया गुरुजी। चलो बारात में लेके चलूँगा सबको बारात में लेके चलूँगा। एक एक जोड़ी कपड़े सिलवा लो, एक एक जोड़ी कपड़े सिलवा लो। और कपड़े ऐसे ना चाहिए, कपड़े चाहिए वर्दी, एक शर्त है, वर्दी लोगे वर्दी में चलना है। अगर मंजूर हो तो बताओ, अगर वर्दी में चलने के लिए मंजूर हो तो भाई ठीक है, फिर मैं इनविटेशन भिजवाऊँ। चलो ध्यान से क्वेश्चन सुनना,
25 लीटर के एक मिश्रण में, एक 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। अगर मैं दूध और पानी का अनुपात की बात करूं तो दूध और पानी का अनुपात कितना है बच्चे, दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए, अनुपात 16:1 हो जाए। अच्छा, मिलाया क्या जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है, क्या पानी के साथ कोई छेड़खानी की गई है? ना जी, पानी के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं की और छेड़खानी हुई भी नहीं है क्योंकि दोनों बराबर है। अगर मैं देखूं तो कितना लीटर दूध मिलाया है, मेरे हिसाब से 12 लीटर दूध मिलाया है। 12 लीटर दूध तब मिलाया जाता जब शुरुआती मिश्रण 5 लीटर का होता, 4 और 1 5। 12 लीटर दूध कब मिलाया जाता, जब शुरुआती मिश्रण 5 लीटर का होता। शुरुआती मिश्रण 5 का है लेकिन शुरुआती मिश्रण उसने दिया कितने का है, 25 का। तो 1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो 12 बराबर कितना आ गया, इसका मतलब 60 लीटर दूध अगर आप मिला दोगे तो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो तो 16:1 बन जाएगा। अगर 60 लीटर दूध आप मिला दोगे तो रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो तो 16:1 बन जाएगा। बच्चे एक बार क्लास को लाइक करो यार, पहले क्लास को लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से टेस्ट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एक बार क्लास को लाइक करो, जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, क्लास को लाइक करो भाई। 150 पे पहुंचाओ, 150 पे चलूंगा अब आगे। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करो, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही है, वॉइस तो आ रही है बच्चे, कर दिया जी, कर दिया। बाकी लोग 131, बाकी लोग एनटीपीसी करना है सर, एनटीपीसी बच्चे, ये तो एनटीपीसी है, बिल्कुल। लव यू टू भाई, लव यू टू, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार लाइक कर दो। नेट खत्म होने वाला है सचिन तेजा जी का, एक बार रिपीट कर दो, 4:1 का रेशो दिया हुआ है, 16:1 का रेशो करना है, दूध मिला है, मिलाना है तो पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और हुई भी नहीं है। मेरे हिसाब से 12 दूध मिल रहा है, 4 था 16 हो गया तो 12 ही तो मिल रहा है, लेकिन 12 मिल कब रहा है, जब शुरुआती मिश्रण 5 लीटर का है, शुरुआती तो उसने 25 का दिया है, तो 5 बराबर 25, तो 1 बराबर कितना, 5, तो 12 बराबर कितना आंसर। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बताओ भाई आंसर, दूसरे का आंसर फटाफट बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो। आज कुछ नए अंदाज में पेपर को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। अब इस पे टाइमर का और अरेंजमेंट करता हूं, टाइमिंग दिया करूंगा 20 सेकंड आप लोगों को टाइम देने के बाद, तब आगे बढ़ा करूंगा बच्चे, टाइम पड़े लग जाए, आप लोगों के लिए है ये सारा टाइम। जल्दी से एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखो, क्या पहुंच पा रहे हो, क्या पहुंच बच्चे, बढ़ा दूंगा सनी यादव जी, बढ़ा दूंगा एनटीपीसी का पेपर बढ़ा देंगे। अभी एक बार मैं आज सर से बात कर लूं तब आपको इन्फॉर्म कर पाऊंगा। चलो, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है, त्रिभुज का योग देखो तो 5 और 3 8 और 2 10 हो जाएगा, होता कितना है 180 होता है। क्या एक पार्ट की वैल्यू 18 आ जाएगी, क्या एक पार्ट की वैल्यू 18 आ जाएगी। सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए, सबसे बड़े कोण का 1 = 18 तो 5 = 90, सबसे छोटे कोण के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या आंसर 5:2 हो जाएगा, क्या आंसर 5:2 हो जाएगा। बच्चे आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, सबसे बड़े कौन कौन सा होगा, 5 वाला होगा, सबसे छोटा कौन कौन सा होगा, 2 वाला होगा, दोनों का रेशो पूछा है, आप डायरेक्टली यहां से टिक कर रहे होते, आंसर तो 5/2 आएगा, आंसर तो 5/2 आएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, इस बात में किसी, अभी भी 150 लाइक नहीं हुए, अभी भी 150 लाइक नहीं हुए हैं बच्चे, करो थोड़ी सी शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो। कंजूस बनना ठीक है लेकिन इतना कंजूस बनना ठीक नहीं है, इतना कंजूस बनना ठीक नहीं है भाई लोगों, ऐसे काम नहीं चलने का।
पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बात को थोड़ी गौर से सुनना और सोच के करना है। पहली 8 विषम, दो मत लिख देना, पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा होता तो शुरुआत दो से हुई होती, लेकिन उसने कहा है पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो विषम कौन कौन सी, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई बच्चे, 17 हो गई, 19 हो गई और 23 हो गई, और कितनी हो गई, 4 और 4 8, इनका योगफल निकालना है। 23 और 9 कितना हो गया, 32, 32 और 10 42, 42 और 7 49 और 10 59 और 3 62, 62 और 10 72 और 11 83 और 7 90 और 5 95 और 3 98 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 98 आ जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, गुरुजी दो भी होगी भैया, विषम बोला है, विषम दो विषम थोड़ी ना होती है, दो विषम मनीष डागर जी दो कैसे हो जाएगी, क्योंकि विषम बोला है, दो विषम थोड़ी ना होती है। आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर तो 98 आ जाएगा। बहुत सुंदर, क्या दिक्कत है जी, गुजर दबंग, क्या दिक्कत है बोलो, भूपेंद्र भाटी जी का 111 आ रहा है, कैसे आ जाएगा जोड़ के देखना बच्चे। सर एक नहीं होगी, अभाज्य संख्या होती है एक, अभाज्य संख्या होती है, विषम अभाज्य संख्या पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, लेकिन सम लेनी नहीं है, इसलिए शुरुआत तीन से की है, शुरुआत तीन से की है बच्चे। एक बार क्लास को शेयर कर दो, एक बार क्लास को लाइक कर दो बच्चे। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। एक पतंग 50 मीटर ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई है पर उड़ रही है, यहां से 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग उड़ रही है भैया यहां। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है, इस डोर की लंबाई दी हुई है 100 मीटर, आपसे पूछा है क्षैतिज से डोर का झुकाव का माप डिग्री, ये वाला कौन आपसे पूछना चाह रहा है, थीटा आपसे पूछना चाह रहा है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हो। आप कहोगे जी साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 50 दिया हुआ है, कर्ण कितना है 100 दिया हुआ है, आंसर कितना आ गया 1/2। एक बात मुझे बता दो, साइन के अंदर 1/2 कहां होता है, तो थीटा जब 30 डिग्री हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, आंसर कितना जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर तो 30 डिग्री आ जाएगा। इस बात में किसी को कोई समस्या, इस बात में बच्चा किसी को कोई भी समस्या ना जी, ना कोई दिक्कत नहीं है, भगे चले जाओ। चलो भाई भगदे भगे हुए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो भाई क्वेश्चन। नवीन यादव जी, डॉक्टर आरटी मीना, दिलीप कुमार, नवीन यादव, आशुतोष शुक्ला, मनीष डागर, जहांगीर खान, कुमकुम ठाकुर। चलो भाई सबका आंसर आ चुका है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, अगर अनुपात दिया हुआ है तो क्या तीन संख्याओं को 3x, 5x और 10x मान लो। अगर एलसीएम की बात करूं बच्चे, अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा भाई, 3, 5 और 10 का एलसीएम तो 30 आ गया, और x x x का एलसीएम x आ गया, उसने एलसीएम दिया कितना है 630 दिया है, जीरो से जीरो कट गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू तो 21 आ जाएगी। अगर 21 यहां भी आ गया, 21 यहां भी आ गया, 21 यहां भी आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे तो 21 ही तो होगी, आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर तो 21 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर तो 21 आ जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, इस बात में किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन हो चुके हैं पांच, लेकिन अगला क्वेश्चन 200 पे मिलेगा, अगला क्वेश्चन भैया 200 पे मिलेगा, अगर आप लोग जिद्दी हैं तो आपसे थोड़ा सा बड़ा मैं जिद्दी हूं। एक बार लाइक की संख्या 200 पहुंचा दो और फिर हम दसवें क्वेश्चन पे ब्रेक लेंगे। एक बार जल्दी से लाइक की संख्या 200 पहुंचा दो जल्दी से। सर एक बार, हाँ बिल्कुल समझाऊंगा, एक बार समझो, इसमें एक्स लगा दू 3x हो गया, 5x हो गया, 10x हो गया, अगर इनका
एलसीएम निकालूंगा बच्चे तो क्या 30x एलसीएम आ जाएगा? एलसीएम दिया कितना है? 630 दिया है, 30x बराबर 630 तो x बराबर 21, 21 की गुणा यहां करो, 21 की गुणा यहां, 21 की गुणा यहां, कौन सी ऐसी संख्या होगी जो तीनों को विभाजित करेगी जिससे 21 कट जाए? 21 आंसर आ जाएगा बच्चे, बहुत सुंदर। 191 हो चुके हैं भाई, 191 बच्चे, बहुत तेजी से 200 कर दो, बहुत तेजी से 200 कर दो। जब मेरी क्लास आज छूटे तो लाइक की संख्या 500 होनी चाहिए, लाइक की संख्या 500 हो जब आज मेरी क्लास छूटे। 199 भाई, गजब कर दिया लड़कों, गजब गजब। चलो जल्दी से एक बार बटन और दबाओ और काम बन। 208 बहुत सुंदर। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा बच्चे, राम कुल यात्रा का 4/9 भाग, 4/9 भाग बस द्वारा, 5/18 भाग रेल द्वारा, 5/18 भाग रेल द्वारा। ये तो जाता है बच्चे बस द्वारा, ये जाता है रेल द्वारा, और शेष 10 किलोमीटर पैदल जाता है, शेष 10 किलोमीटर पैदल जाता है। बात को समझने की कोशिश करना, कुल दूरी पूछी है, कुल दूरी, बात को समझो। देखो ध्यान से, यहां 9 है, यहां 18 है, इन दोनों से कटने वाली संख्या, क्या मैं टोटल दूरी 18 मान लूं? क्या मैं टोटल दूरी 18 मान लूं? जब 18 का 4/9 निकालूंगा तो 9 × 18 क्या 8 किलोमीटर वो बस से गया होगा? जब 18 का 5/18 निकालूंगा तो 5 किलोमीटर वो रेल से गया होगा। 8 और 5 13 जा चुका है, बचा कितना? 5 बचा, वो तो कह रहा है 10 बचता है, 5 = 10 तो 1 = कितना? 2, तो 18 = कितना? आंसर आ गया भैया, आंसर, आंसर तो 36 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? छुप रहा है आंसर नीचे। आंसर कितना आ जाएगा भैया? आंसर तो 36 आ जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? अबे बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। शंकर पुंदीर जी, इन दोनों से कटने वाली संख्या टोटल दूरी मान लो, टोटल दूरी 18 मान ली, जब इसका 4/9 निकाला तो 8 किलोमीटर आया, टोटल दूरी का 5/18 निकाला तो 5 किलोमीटर आया, 13 किलोमीटर की दूरी हो चुकी है, बची कितनी? 5 की, वो कह रहा है 10 की बचती है, एक हिस्सा 2 के बराबर, तो 18 इससे किसके बराबर? टोटल दूरी 36 किलोमीटर आएगी। चलो भाई, चलो चलो भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर यार, गजब कर दिया लड़को। चलो सातवां बताओ भैया, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसकी भी सुन लो यार, इसकी भी सुन लो, ये कह क्या रहा है बच्चे। देखो, a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चे a+b + c/2, a²+b²+c²-ab - bc - ca, यही तो होता है फॉर्मूला, ये होता है या नहीं होता? अब ये पूछा हुआ है, इसके बटे में ये जाएगा ab + bc। अच्छा, मैं यहां से माइनस कॉमन ले दूं तो ये माइनस में सारी प्लस में हो जाएंगी। देखो, अगर ये इधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, a²+b²+c²-ab - bc - ca हो जाएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले दूं तो क्या ये वाली कंडीशन बन जाएगी? यही तो आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है। तो तीनों को जोड़ के आधा कर दो, 8 और 4 = 12 और 5 = 17। ओ, तू नहीं होता, 8 और 4 = 12, 5 = 17, माइनस का 17 आ जाएगा। कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं लेनी, आंसर कितना आ जाएगा जी? आंसर तो माइनस का 17 आ जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत?
इस बात में किसी को कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े चलो। ये तो फॉर्मूला था, टाइम लग गया, टाइम कैसे लग जाएगा, डायरेक्टली कट रहा था, आपको बताने में टाइम लगा है, डायरेक्टली कट रहा था, कुछ नहीं करना था, तीनों को जोड़ना था, आंसर बताना था, तीनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा बच्चा, तीनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। प्रशांत भट्ट को क्वेश्चन समझ में ना आया, ना आया तो दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो भैया, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला पूछा जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां से फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ये करना नहीं है, करना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझो। ये चीज गुणा में है, जब इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले दूं और यहां लगा दूं, क्या सारे साइन चेंज हो जाएंगे? माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, हाँ है ना, इसकी ही तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की तो वैल्यू पूछ रहा है भैया। माइनस में तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ा, 8 4 12 और 5 17, क्या माइनस का 17 आंसर नहीं आ जाएगा? बात समझ पा रहे हो या नहीं? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखियो भाई क्या कह रहा है, ये देखियो क्या कह रहा है, मारियो इस पे निगाह एक बार, एक बार इस छुटकू पे निगाह मार दो, ये छुटकू क्या कह रहा है, छुटकू पे निगाह मार दो बच्चे, कोई शॉर्ट नहीं था अबे यार बच्चे, फॉर्मूला होता है उसका आंसर ए प्लस बी, तीनों को जोड़ के माइनस लगा के आंसर लिख देना, इससे शॉर्ट क्या लोगे? क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हो या नहीं? इससे शॉर्ट तो ये हो सकता है, उससे कह दो भैया तू 30 क्वेश्चन मैथ के दे ही मत, और हमें नंबर पूरे 30 के 30 दे दे, पूरे 30 के 30 दे दे, एक भी क्वेश्चन मत दे हमें मैथ का, ये ही हो सकता है इससे शॉर्ट तो। बस एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में, 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं, तो 70 श्रमिक 5 दिन में कितने मीटर कपड़े सिलेंगे? आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने क्वेश्चन थोड़ी ना है भैया, ये 7 ढाई 70 10 पंजे 50 दूनी 100 आ जाएगा। इन्हें नहीं कहोगे जी इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर दो, इन क्वेश्चन को नहीं कहोगे जी ये तो एक लाइन में ही हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दो। अबे ये भी तो क्वेश्चन आए हैं, अगर एक क्वेश्चन आ ही गया तो घबरा क्यों रहे हो? एक क्वेश्चन कौन सा हमारा सिलेक्शन रोक देगा? सिलेक्शन तो होके रहेगा इस बार, तो डर क्यों रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? चलो नौवें क्वेश्चन पे आ जाओ, ये लो अपना नौवां क्वेश्चन, फिर टुच्चा क्वेश्चन आ गया, फिर टुच्चा क्वेश्चन आ गया। 20 संख्याओं का माध्य 19 दिया हुआ है, तो क्या योग 380 हो जाएगा? पेपर की पेपर में ही सॉल्व कर देना, लिख मत देना बाहर कुछ भी। एक और संख्या शामिल की जाती है और नया माध्य 20 हो जाता है, पहले ही 20 थी अब 21 हो गई होंगी, तो योग कितना हो गया? 420 नहीं हो गया, 420 में से 380 जाएंगी, तो जो जोड़ी होगी वो 40 नहीं हो जाएगी, 40 नहीं हो जाएगी। अब नहीं कहोगे जी ये भी आसान था, अब नहीं बोलोगे, अब नहीं कहोगे ये भी आसान था जी, घबरा जाते हैं एक क्वेश्चन को देख के, एक क्वेश्चन देखकर घबरा गए। अबे घबराना थोड़ी ना है, हाँ पेपर पास करना है पेपर। आओ दसवें क्वेश्चन पे निगाह मारो, अब देखो दसवें क्वेश्चन को, दसवें क्वेश्चन को देखो भाई, निगाह मारो दसवें क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं जी 10,000 रुपए पर प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, बहुत सुंदर बात है। 2 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए, यदि ब्याज छमाही प्रभारित होता है। क्या लिख रखा है ये? अब ध्यान से सुनना, अगर छमाही हो रहा है तो छमाही के केस में रेट को आधा कर देते हैं, तो रेट तो हो गए
गई 10%, समय दे रखा है 2 तो 2 की गुणा कर दो, समय हो गया 4 छमाई, कोई दिक्कत वाली बात। अब राशि कितनी थी, 10,000 रुपए थी, 10% का मतलब 10 से 11 हुई होगी, 10 से 11 हुई होगी और 10 से 11 हुई होगी और 10 से 11 हुई होगी, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, आंसर तो ये आ गया, आंसर तो 14,641 आ जाएगा, आंसर तो 14,641 आ जाएगा। 121 का वर्ग कितना होता है, 14,641 होता है। भाई साहब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ जी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, कोई दिक्कत वाली बात ना जी, ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और लाइक की संख्या 242, ना 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 ना, नहीं गाड़ी चल पाएगी। इसे संख्या को करो 260, इस संख्या को 260 करो भाई, आगे मामला तब बढ़ेगा। और फिर 15 पे रुकेंगे, डायरेक्ट 15 पे, डायरेक्ट 15 पे रुकेंगे भाई साहब, जल्दी 260 कर दो एकदम चुटकियों में, 257, बहुत सुंदर, 257 भैया, 257 गुरुजी एनटीपी, हाँ यही तो कहलवाना चाह रहा था गुरुजी, ये एनटीपीसी है, ये एनटीपीसी है भैया, एनटीपीसी आसान बन जाएगी, आसान, बहुत सुंदर। पेपर में तो हार्ड होते, अबे कहां से उठा के लाया हूं भैया ये पेपर, ये पेपर ही तो उठा के लाया हूं, ये अपने पास से थोड़ी ना बनाई, ये पेपर ही तो उठा के लाया हूं। अब आप पे आते हैं वो अलग बात है। सर जी खून काढ़ा नहीं आया, हाँ मेरा दोस्त नहीं आया भाई अभी। मोहन 83 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना प्रारंभ करता है, उसे क्या परिणाम मिलता है, एक बार देख दो यार। सबसे छोटी विषम 1 है, फिर 2 है, फिर नहीं 2 थोड़ी ना है, वे मास्टर पागल ही हो गया, 1, 3, 5, 7 कहां तक जाना है, 81 तक जाना है। 83 से कम लिखनी है सभी विषम प्राकृतिक संख्या, फिर लाइक कर दे सर हम एक बार कर चुके हैं, ना 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 एक ही बार रहने दो। अच्छा बच्चे आज सुबह मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ाई थी, तो करते कैसे हैं, अगर मुझे पदों की संख्या निकालनी हो तो आखिरी में से इसे घटा दो 80 आ जाएगा, इनके अंतर से डिवाइड कर दो 40 आ जाएगा और उसमें 1 जोड़ दोगे 41 आ जाएगा। बात को थोड़ी ध्यान से समझना, मैंने आपको ये बताया, या तो आप ये कर सकते हैं अगर विषम संख्या दी हुई है इसमें 1 जोड़ के आधा कर दोगे तो पदों की संख्या निकल के आ जाएंगी। और बच्चे जब भी विषम संख्याओं का योग पूछे तो केवल n का वर्ग कर देना, यही आंसर होता है, आंसर तो 1681 आ जाएगा या नहीं, बात समझे मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा भाई साहब 81 में 1 जोड़ो आधा कर दो 41 आ गया, 41 का वर्ग कर दो आंसर आ गया है। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, हाँ जी ऐसे ही आते हैं अब तो क्वेश्चन, आपसे हो रहे हैं तो आसान लग रहे हैं लेकिन आते ऐसे ही क्वेश्चन है जी। चलो भाई आंसर बताओ भैया आंसर, मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% के क्रम अनुसार छूट पाता है, एकल बराबर छूट समान ज्ञात कीजिए। दुनिया भर की छूट ले ली भैया, दुनिया भर की, समझना बात को कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं आपसे कहूं मेरी 100 रुपए की कोई वस्तु थी, मैंने आपसे कहा 100 रुपए की कोई वस्तु थी 30% की छूट मिली, तो क्या वो वस्तु 70% पे मिली होगी, हाँ या ना। पहली छूट के बाद वस्तु हो गई इतने की, दूसरी छूट 25% की मिली तो दूसरी 75% पे मिली होगी, हाँ या ना। तीसरी छूट 15% की मिली तो तीसरी 85% पे मिली होगी। भैया काटा पीटी मचालो, ऐसे ऐसे मचालो काटा पीटी, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 2 बार। अब देखना भैया 17 तिया 51, 51 की गुणा 7 में कर दो, 8 से विभाजित कर दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 8 से विभाजित किया, 8 चौक 32, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 8 चौक 32 कितना बचा, 8 पंजे 40, 44.5 रुपए की वस्तु मिली, तो 44.5 रुपए की वस्तु मिली। कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं गड़बड़ हुई है भाई,
45, 44, 55 के करीब आना चाहिए, तो आंसर आ रहा होगा ये 55.38, 55.38 इसका सही जवाब आ रहा होगा, 55.38। तरीका यही है, एक बार खुद करके देख लेना। अगर 100 रुपये वस्तु मानते हो, रेट मानते हो, 30% की छूट रही होगी तो 70% पे मिली होगी, 25% की छूट रही होगी तो 75% पे मिली होगी, 15% की छूट रही होगी तो 85% पे मिली होगी। ये जो रेट आएगा बच्चे, ये वो रेट आएगा, ये जो रेट आएगा ये वो रेट आएगा जिस पर वस्तु मिली होगी। एक बार यहां भाग करके देख ले, कभी यहीं गड़बड़ हो गई हो, देखना भाई 8 चौक 32 कितना बचा, 3 बचा जी, 37 हो गया, 8 चौक 32 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 8 छिंग 48 2 बचेगा, 8 दूनी 16 क्या इतने की वस्तु मिली है, इसे 100 में से घटा दोगे तो छूट नहीं आ जाएगी भैया, छूट आंसर कितना आ जाएगा 55.38। किरमागति तो निकाला है, किरमागति तो निकाला है बच्चे, किरमागति तो निकाला है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कोई दिक्कत। हाँ ये आइए, इतने में वस्तु मिली है तो छूट कितने की होगी, 100 में से इसे घटा दो, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। चलो भैया, चलो आ जाओ 13वें क्वेश्चन पे, आ जाओ 13वें क्वेश्चन पे। एक बार पवन सर से शर्त लगी है भैया, 500 लाइक दूंगा आज, 500 से पहले हटूंगा नहीं। एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। 1250 का बिल है, 30% की छूट दी तो 70% आया होगा, फिर से 20% की छूट दे दी तो 80% आया होगा, क्या इतना बिल नहीं आया होगा। 3 जीरो काट दो, 1 बची, यहां से देखो बच्चे क्या आएगा, 8 7 56 125 गुणा 56 बटे 10 आ जाएगा। 5 से काटोगे 25 बार, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 28 बार, 25 8 200 को 0 हासिल, 20 25 दूनी क्या 600 रुपए की नहीं पड़ी होगी। पूछ क्या रहा है भैया, भुगतान कितना करना पड़ा, एक बार देखना भाई, 1250 के बिल पर 30% की छूट तो 70% मिला होगा और फिर 20% की छूट तो 80%, 3 जीरो कट गई, 125 आ गया, 8 7 56 आ गया, 5 से काटा 2 बार, 5 से 2 बार कट रहा है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से काट दोगे 28 बार, 25 8 200, 200 को 0, 20 25, अबे 70, 700 रुपए देने पड़ेंगे 700। छोटी मोटी गलतियां होती हुई, बहुत सुंदर भाई बहुत सुंदर, साथ साथ लेके चलो, साथ साथ छोटे भाई को, ये जो साइड में छोटा भाई है ना लाइक वाला, इसको साथ में लेके चलो, इसको साथ में लेके चलो बच्चे, जो ये छोटा भाई साथ में लाइक वाला है, चलो भैया चलो चलो भाई। एक बार देखो, 10 व्यक्ति ध्यान से समझो भाई, 10 व्यक्ति एक्स दिनों में एक काम कर सकते हैं, नहीं पता कितने दिनों की कह रहा है। यदि 20 व्यक्ति दोगुनी क्षमता से उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं तो एक्स का मान क्या है। 10 व्यक्ति किसी काम को एक्स दिन में कर सकते हैं, कर दिया भैया। यदि 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता से तो 2 लाना पड़ेगा, उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, एक्स का मान पूछा है बच्चा, एक्स का मान कितना होगा, आंसर तो 20 हो जाएगा। कहां छिप रहा है भैया, कहां छिप रहा है, आंसर तो 20 हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत, इस बात में किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत, आंसर तो 20 हो जाएगा। बहुत सुंदर भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखना भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई। 15वां क्वेश्चन देखो एक बार, 15वां क्वेश्चन देखो, टारगेट 350 का रहेगा, 15वें क्वेश्चन के बाद 350 का टारगेट, समझो बात को। क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है जी, अंतर जब समान होता है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी में कहलाती है। हमें योग निकालना है, सबसे पहले पदों की संख्या निकालते हैं,
हैं। पदों की संख्या कैसे निकलती है? आखिरी पद में से पहला घटा दो, 71 में से 6 जाएंगे तो कितना बचा? 71 में से 6 जाएंगे तो भैया 65 बचेगा, 65 बचेगा या नहीं? इनके अंतर से विभाजित कर दो, जब 5 से विभाजित करोगे तो 13 आएगा और उसमें 1 जोड़ोगे तो ये n की संख्या आ जाएगी, ये n की संख्या आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस l होता है। n की संख्या कितनी आई है? 14/2, पहले और आखिर को जोड़ दो, 6 और 71 को जोड़ा तो 77 आ गया, 2 से काटोगे 7 बार कटेगा, 7/49 को 9 हासिल 4, 7/49 और 4 53, और इस तरीके से आंसर 539 आ जाएगा। और लाइक की संख्या 350 पहुंचानी है। क्वेश्चन अगला तब आएगा जब लाइक की संख्या 350 पहुंच चुकी होगी। बाद में गाली तो दोगे, बाद में कमेंट भी खूब लिखोगे कि मास्टर लाइक बहुत बोलता है। अबे बोलूं क्यों ना बोलूं, एक बार ये तो बता दो, पेपर में कोई कमी नहीं आ रही, टाइम पे पूरा करूंगा, फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे? 332 हो गए, 332 हो गए भैया। सर ये नंबर क्यों नहीं मिलता है? नंबर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 337 हो चुके हैं, 337 38 भाई जल्दी से एक बार कर दो, जल्दी से एक बार कर दो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। 340 एक एक बढ़ा रहे हो, एक एक पूरी परीक्षा ले रहे हो आज तो, आज तो पूरी परीक्षा ले रहे हो पूरी। चलो बताओ भाई आंसर। हाँ सचिन कुमार जी सो हो रही हैं, चलो कर चुके हैं, कितनी बार करें? एक बार, जो कर चुके हैं वो एक बार करो, बच एक बार कर दो एक बार। चलो चलो आंसर बताओ भाई इसका आंसर। पूनम प्रजापति जी ले दिया नाम, नमस्ते। राहुल गुजर जी नमस्ते, बहुत जल्दी ध्यान आ गई भाई साहब। चलो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 60 दी हुई है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, निकालो भाई इसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू पूछ रहा है, 2ab से 2ab कट जाएगा। 2a² प्लस 2b² 2 कॉमन ले दो तो a² प्लस b², इसकी वैल्यू तो 60 दी हुई है और 60 दुनी तो 120 होते हैं। भाई साहब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ जी ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया, ऐसे ही। लो गुब्बारे का क्वेश्चन आ गया, समझो भाई बात को समझो। चलो आंसर बताओ फटाक से आंसर। रेनू गंगुली, गंगोली जो भी है बच्चे, प्रोनाउंस अगर गलत हो जाए तो बुरा मत मानना। चलो भाई चलो आंसर बताओ। एक मौसम विज्ञान संबंधी स्टेशन के आधार पर एक गुब्बारा 130 मीटर लंबे तार द्वारा 130 मीटर लंबे तार द्वारा 130 मीटर लंबे तार द्वारा क्षैतिज से 60 डिग्री पर जोड़ा गया, क्षैतिज से 60 डिग्री पर जोड़ा गया, इसकी ऊंचाई पूछ रहा होगा, ऊंचाई। तो उसने कहा है जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मान ले केवल में कोई लचक नहीं है। भाई साहब ये बात नहीं भी बोलता ना तो हम तब भी मान लेते कि कोई लचक नहीं है, कोई लचक नहीं है जी, कोई लचक। गुड्डू बाबू, गुड्डू बाबू बोल दिया भाई साहब, गुड्डू बाबू। अच्छा हमें ये निकालनी है, हमें लंब निकालना है, कर्ण हमें दिया हुआ है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है जिसमें लंब बटे कर्ण आ जाए? लंब तो हमें निकालना है, कर्ण कितना दिया हुआ है? 130 दिया हुआ है। साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है, x बटे 130 हो गया, 2 से काटोगे 65 आ जाएगा। क्या इसकी ऊंचाई 65√3 आ जाएगी? भैया यहां तो रूट में नहीं दिया हुआ, तो आप 65 की गुणा 1.7 में कर दो, आंसर आ जाएगा। 65 की गुणा 1.7 में कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे पता चलेगा साइन आएगा? ओहो भाई साहब भारी लोचा है। अच्छा भाई साहब ये सुना है, लाल बटे कका सुना है, लाल बटे कका सुना है जी,
लाल बटे कका, सुना है जी, लाल बटे कका, साइन थीटा जो होता है बच्चे लंब बटे कर्ण होता है, लंब मुझसे पूछा है, कर्ण मुझे दिया हुआ, इसलिए मैंने साइन को लगाया है, इसलिए मैंने साइन को लगाया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आंसर कितना आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें कर दो आंसर आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें कर दो आंसर आ जाएगा। 17 पंजे 85 को 5 हासिल लगे 8, 17 छक्का 102 और 8 110, आंसर 110 पॉइंट ये आ जाएगा, आंसर तो ए ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, 112.5 आ रहा है, 17 पंजे 85 को 5 हासिल लगे 8, 17 छक्का 102 और 8 110 पॉइंट कुछ आएगा यार, 112.5 कैसे आ जाएगा, 110 पॉइंट कुछ आएगा। चलो भाई बहुत सुंदर जी, गजब कर दिया गजब, 18वें का आंसर आ गया, बहुत दिनों बाद आया है भाई, बहुत दिनों बाद क्वेश्चन आया है, एक बार नजर घुमाना इस पे क्या कह रहा है। तुक्का सही होगा बेटे, बेटे तुक्का सही होगा, ओ भाई, ओ भाई तुक्का ठीक हो गया। चलो भाई हाँ या ना बोला करूं, हाँ या ना, चलो। माध्य दिया हुआ है 18 और मानक विचलन दिया हुआ है 4.5 और विचरण गुणांक हम लोगों से पूछा है। मैंने आपको बताया होगा जब भी विचरण गुणांक पूछे तो मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100 यही विचरण गुणांक होता है, मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100 यही कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक होता है। आंसर तो आ चुका होगा, पॉइंट हटाया तो 0 आया, 0 से 0 कट गई, 9 पंजे 45, 9 दुनी 18, 2 पंजे 10, आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर तो 25% आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ना जी, ना कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 19वां बताओ, 19वां बताओ फटाक से, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 और 3800 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 8 और 11 बचता हो। जब इसे विभाजित करते हैं तो 8 शेष बचता है, 8 को घटा दो, क्या ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा, क्या ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा। जब इसे विभाजित करते हैं तो 11 शेष बचता है, तो क्या इसमें से 11 घटा दूं तो क्या 3789 पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा, हाँ या ना। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को विभाजित कर दे, तो बच्चे यहां से इसका मैसे निकाल देना वही आंसर हो जाएगा, यहां से इसका मैसे निकाल देना वही आंसर हो जाएगा। 262 हो नहीं सकता क्योंकि अगर इकाई के अंक पे 2 है तो उसके इकाई के अंक पे 9 कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये संख्या 262 से तो विभाजित नहीं होगी, इसके लिए आपको चेक ना पड़ेगा। भैया मैं से निकाल देना, मैं से निकाल देना, मेरी बात समझ में आ गई। 131 इसका सही आंसर है, जैसा कि आप लोगों पे भरोसा करते हुए, मैंने आप पे भरोसा करते हुए ऑप्शन बी को टिक कर दिया, भैया आंसर 131 आ जाएगा। इन दोनों का मैं से निकाल दो, इन दोनों का मैं से निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है जी, बहुत सुंदर। 20वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बटे बी कितना कह रहा है, a बटे बी तो 2/3 कह रहा है, यहां से निकालूं b बटे सी क्या कह रहा है, b बटे सी तो 2/3 कह रहा है, और c बटे डी क्या कह रहा है, c बटे डी तो 2/3 कह रहा है, तो b तथा d का अनुपात पूछा है। ध्यान से मेरी बात सुनना, a b c d यहां लिख दिया, a by b 2/3, b by c 2/3, c by d 2/3, इसको 3 लिख दो, इसको 3 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, यहां 2 लिख दो, आंसर कितना आ गया भैया, 2 × 4 × 8, 3 × 6 × 12, 3 × 9 × 18, 3 × 9 × 27, आंसर कितना आ जाएगा, पूछा क्या है बीओडी का, 12 × 27 आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, आंसर तो 4/9 आ जाएगा, आंसर तो 4/9 आ जाएगा।
इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हो चुके हैं 20। एक बार इनको 400 पहुंचाओ भाई, अब आगे तब बढ़ूंगा जब 400 पहुंचाओगे। 400 पहुंचाओ, 400 लाइक की संख्या, 400 आंसर सबका ठीक है। एक बार जल्दी से एक बार और खटका दबा दो, लाइक की संख्या 400 पहुंचा दो, 400 पहुंचा दो भाई। 400 गोरखपुर से कौन कौन है? भैया राजेंद्र बाद में पूछ लियो, गोरखपुर से कौन कौन है? एक बार लाइक का बटन दबा दे, एक बार लाइक का बटन दबा दे, या यहां से साथ लेके जाएगा गोरखपुर। 380 बहुत सुंदर, 380 83 बहुत सुंदर भाई। प्रजापति किंग जी नाम ले लिया, जल्दी से लाइक की संख्या बता दो। झांसी से हूं, ये लो कर ले भैया, राजेंद्र क्या करेगा उसका, झांसी से है वो। चलो भाई 393। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, यार जल्दी करा दूंगा, आराम से पढ़ लो, सुबह से तो पढ़ाने में लग रहे हैं, आराम से मौज लेके पढ़ो। चलो भाई, एक समूह के 19 सदस्यों की औसत आयु 24 है, तो योग कितना आएगा भाई? योग 19 चौका 76 को 6 हासिल लगे 7, 19 दूनी 38 और 7 45, तो क्या योग 456 आ गया होगा? बात समझना ध्यान से, यदि फैकल्टी की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 20 लोग हो गए होंगे, पहले से ही 19 थे, एक आदमी और जोड़ दिया, औसत आयु 4 महीने बढ़ जाता है, 20 चौक 80 महीने बढ़ गया भैया, 80 महीने बढ़ गया। 80 महीने का मतलब क्या है? 80 महीने का मतलब क्या है? फैकल्टी की आयु ज्ञात करनी है, फैकल्टी की आयु होगी भैया 24 वर्ष 80 महीने, 24 वर्ष 80 महीने उस फैकल्टी की आयु होगी। 80 महीने को डिवाइड कर लो, 12 छिंग 72, 30 वर्ष 6 महीने, 30 वर्ष 8 महीने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। बात को समझो थोड़ी ध्यान से, 19 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, हुई 24 वर्ष, जब उसमें फैकल्टी को जोड़ लिया गया तो वो फैकल्टी जब आया उसने सबकी उम्र 4 महीने बढ़ा दी, टोटल 20 मेंबर हो चुके हैं, 4 महीने बढ़ा दी, तो क्या 80 महीने उम्र नहीं बढ़ गई? वो 24 का पहले ही आया होगा, 80 जो उम्र थी वो बढ़ाने में लग गई, तो क्या उसकी उम्र 24 वर्ष 80 महीने नहीं होगी? 80 महीने का मतलब होता है बच्चा, 80 महीने का मतलब 6 साल 8 महीने होता है, तो उसकी उम्र कितनी होगी? होगी 30 वर्ष 8 माह होगी, होगी। राहुल गुज्जर बच्चे कितनी बार नाम लिवाएगा, कैसे करके रहेगा आज? छोड़ दूं क्वेश्चन को यहीं, बस नाम लेता रहूं तेरा, क्या कहता है? चलो भाई आंसर बताओ भाई, आंसर इसका आंसर बताओ, 80 कहां से आया? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की उम्र 4 महीने बढ़ गई थी, तो 20 लोगों की कितनी बढ़ेगी? 80 महीने बढ़ जाएगी। चलो भाई आंसर बताओ 22 का। नीरज ने अपनी दुकान के लिए कुछ कमीजे 400 से 500 रुपए के क्रय मूल्य की रेंज में खरीदी। भैया क्रय मूल्य 400 से लेके 550 रुपए के बीच में खरीदी है, अब उसने कहा है और 450 से 650 रुपए की रेंज में बेच दी, 450 से 650 रुपए की रेंज में बेच दी। 10 कमीजे बेचने पर उसका अधिकतम लाभ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है अधिकतम लाभ क्या होगा बच्चे? कि कम में तो खरीदे और ज्यादा में बेच दे, कम में तो खरीदे और ज्यादा में बेच दे। अगर मैं कहूं कि कम में कितने में खरीद सकता है, आप कहो जी सबसे टुच्चे मूल्य पे खरीदवा दो 400 रुपए पे। अगर एक कमीज 400 रुपए की, तो 10 कमीज क्या 4000 रुपए की खरीदी होंगी? हाँ या ना? मैं कहूं कि बेच कितने पे दे, आप कहोगे जी सबसे बड़े मूल्य पर बिचवा दो। अगर एक कमीज 650 की बेच रहा है, तो 10 कमीज 6500 की बेचेगा, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो 10 कमीजों पे 2500 रुपए कमा सकता है। इस बात में कोई दिक्कत? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई इस बात में किसी को कोई भी दिक्कत है? जाऊंगा नहीं जब तक 500 नहीं करा लूंगा, आज जाऊंगा नहीं जब तक 500 लाइक नहीं करा लूंगा। करो क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन करो भाई। चलो
एक कोण इसके पूरक के, एक कोण मैंने वो कोण x मान लिया, इसका पूरक कितना होगा 90 - x होगा। उसने कहा है एक कोण इसके पूरक के पांचवें हिस्से, पांचवा हिस्सा तो ये हो गया, से 60 अधिक है, से 60 अधिक है। एक कोण इसके पूरक के पांचवें हिस्से से 60 अधिक है। यहां से देखोगे 1/5 की गुणा करोगे, ये 18 हो जाएगा, ये x बटे 5 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 60 और 18 78 हो गए बच्चे, ये प्लस का हो जाएगा x प्लस x बटे 5, 5x और 1x 6x बटे 5 बराबर 78 हो गया। 6 से काटोगे 13 बार कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। अगर एक कोण 65 है तो दूसरा कोण क्या 25 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग तो 90 है। आंसर कितना आ जाएगा, छोटा कोण पूछा है, 65 नहीं होगा शरीफ बालक, 65 नहीं होगा, छोटा कोण पूछा है, छोटा कोण। आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात जी? ना जी ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 24वां बताओ, 24वें का आंसर दो। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 10 दिया हुआ है तो विचरण क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, स्क्वायर कर दो बस। मानक विचलन का अगर स्क्वायर कर दोगे, मानक विचलन का अगर स्क्वायर कर दोगे तो विचरण आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर तो 100 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, आंसर तो 100 आ जाएगा। बहुत सही, बताओ भाई 25वां, बताओ 25वें का आंसर फटाफट, 25वें का आंसर दो। चलो, पी एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, पी एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, और क्यों उसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पी और क्यू की कार्य क्षमता पे क्या क्वेश्चन पूछ लिया ये हमसे, ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया भैया, 5/6 हो जाएगा। ये हमसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर तो 5/6 हो जाएगा। बहुत सुंदर, उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चे। 26वें का आंसर बताओ, 26वें का आंसर फटाक से बता दो, 26वें का आंसर क्या होगा। 3 वर्ष पहले, यहां पे वर्तमान लिख लो, यहां पे वर्तमान लिख लो, यहां पे 3 वर्ष पहले का लिख लो। 3 वर्ष पहले कौन कौन है भाई, माया और शिखा हैं। 3 वर्ष पहले का हिसाब किताब देख लें, माया और शिखा हैं, माया और शिखा हैं। आयु का अनुपात 5:9 था, आयु का अनुपात 5:9 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। अंतर देखो बच्चा, यहां अंतर है, यहां 4 का, यहां अंतर है 2 का। इस अंतर की यहां गुणा कर दो 10, इस अंतर की यहां 18, इस अंतर की यहां 12 और इस अंतर की यहां 20। बच्चा कितनी उम्र बढ़ रही है, 2 साल उम्र बढ़ रही है। इसके हिसाब से कितनी, 3 से यहां वर्तमान, 5 आगे, 8 बढ़ रही है। 2 = 8 तो 1 = कितना, 4 आ जाएगा। तो 10 = कितना, इसकी 40 आ चुकी होगी और इसकी कितनी आ चुकी होगी, 72 आ चुकी होगी। हाँ या ना, अगर इसकी 3 वर्ष पहले 40 है, अब 43 हो गई होगी, इसकी अब 75 हो गई होगी। पूछा क्या है, माया की आयु पूछी है। आंसर कितना हो जाएगा, ये छुपने वाला हो जाएगा आंसर, ये जो छुप रहा है, ये जो छुप रहा है ना, ये आंसर हो जाएगा, आंसर तो 43 हो जाएगा भैया, 43। कोई दिक्कत वाली बात जी? ना ना ना, पीडीएफ वीडीएफ कुछ नहीं मिलेगी भैया, पीडीएफ नहीं मिलेगी, यही मामला बैठाना है, जो बैठाना है। बात समझ पा रहे हो या नहीं? चलो भैया, आरती बघेल जी कह रही है सर रायता फैल गया, फैल गया तो बच्चे समेट लो, समेट लो उस रायते को, फैलाया हुआ भी आपका ही होगा। चलो एक बार समझो बात को, मेरा नाम नहीं लिया आज तक, कपिल कुमार जी का नाम लिया है बड़े लेवल पे। चलो भाई,
देखना, ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपए कमाता है और 6 घंटे काम करता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात कितना है? निकाल दो ना बच्चा। 640 बटे 360, 640 बटे 360 कितना आ गया? 4 से काटोगे 16 बार कटेगा, 4 से काटोगे 9 बार कटेगा। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर तो 16 बटे 9 आ जाएगा। भैया क्या पूछ लिया ये क्या पूछ लिया हमसे? आंसर कितना आ जाएगा? आंसर तो 16 बटे 9 आ जाएगा। अब बहुत से इसमें दिमाग लगा रहे होंगे कि भैया इसमें 3 की गुणा करो, इसे पूरा दिन बनाओ, इसमें 4 की गुणा करो, इसमें पूरा दिन बनाओ। भैया ये नहीं करना, जब पूरे दिन में कर ही 8 घंटे काम रहा है तो 24 घंटे का बनाना क्यों है? आए दे रखी है प्रतिदिन की, दोनों का रेशो पूछा है, सीधा सा जवाब पूछा है, तो सीधा ही आंसर दे दो उसे। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत सुंदर जी। 28 का आंसर बताना, 28 का आंसर बता दो एक बार, आंसर कितना आएगा? दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है। भाई साहब दिया हुआ है ना, समझना बात को। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, ये तो कल वाला क्वेश्चन आ गया। पूनम प्रजापति जी कह रही है सर मजा नहीं आया। चलो यहां देखो, 5 घंटे में 350 किलोमीटर, तो बच्चा इसकी गति कितनी आ जाएगी? दूरी बटे समय, 40 तो होता है, इसकी गति आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी? पहली वाली की। पहली वाली की तो 2 दी है जी, 2 बराबर 70 तो 1 बराबर 35, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 बराबर तो 175 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर तो है ही नहीं, आंसर तो है ही नहीं बच्चा। एक बार और निगाह मान ले, एक बार और निगाह मान ले बच्चे। 5 7 35 70 आ गया, और इसने 2 बराबर 70 तो 1 बराबर 35, 5 5 25 को 5 हासिल। दो भैया 2 से ज्यादा बार चेक नहीं करेंगे, 2 से ज्यादा बार चेक नहीं करेंगे। पांचवा ऑप्शन अपनी तरफ से जोड़ देंगे, जो कि आंसर होगा 175, जो कि आंसर होगा 175। इस वाले में कोई दिक्कत है? इस वाली बात में कोई दिक्कत? अंतर निकालना है? ओ कंफ्यूज कर दिया भाई मुझे भी। दोनों रेलगाड़ियों की गतियों में अंतर पूछ रहा है, अंतर, यही तो होती है सिली मिस्टेक। मैं ही सिली मिस्टेक कर रहा हूं बच्चे, मैं भी सिली मिस्टेक। दोनों का अंतर घटा दो, एक की चाल है, एक की चाल है 175, दूसरे की चाल है 70। आंसर कितना? 105 आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत सही, बहुत सही भाई साहब, पढ़ लिया भाई साहब, पढ़ लिया। अंतर पूछा गया था, मैंने गति निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां गए वाले भाई साहब, ये वाले भाई साहब कहां गए जो पढ़वा रहे थे एक बार? चलो भाई, चलो, गलती हो गई, क्षमा मांग ली भाई साहब, क्षमा, आप लोगों से क्षमा मांग ली, क्यों दिक्कत मान रहे हो? एक बार और बता दो बच्चे, 365 दूरी दी हुई थी, और वहां से वो कह रहा है कि 5 घंटे में दूरी तय करता है, तो 70 की गति से जाता होगा, 70 की गति से जाता होगा, और वो कह रहा है 2, वहां से डायरेक्टली निकाल लोगे? चलो बता ही दूं यार, इतनी देर में तो बता भी देता, कुछ नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में। चल बच्चा, 5 से काटोगे 70, ये गति आ गई 70, इसने गति 2 दी है, 2 बराबर 70 तो 1 बराबर 35 आ जाएगा, तो 5 बराबर बच्चे 175 आ जाएगी। इसकी गति 70, इसकी गति 175, दोनों का अंतर पूछा है तो 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात क्या कही? मिस्टर अर्जुन आर्मी सर, एक तो आप क्वेश्चन लगाकर साइड नहीं होते हो, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। अच्छा भाई साहब, हट जाया करूं, बिल्कुल बैठ जाया करूं क्वेश्चन लगा के? अबे टेस्ट करा रहा हूं इसको, ऐसे थोड़ी ना है कि आप लोग आराम से इसे बाद में भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ा करो बस, ऐसे थोड़ी ना उसे लगा के तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, फिर तो हो गया है 2 घंटे में पेपर। कल भी शायद मैंने आपसे यही बात बोली थी। 29वें का आंसर बताओ, बताओ भाई 29वें का आंसर बताओ भाई, आंसर
चलो भाई 25वें का आंसर बताओ, 29वें का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 88 दिया है। सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है जी। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, बात को थोड़ी ध्यान से सुनना, बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, यही तो कहोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 88 दिया हुआ है, और ए बी की वैल्यू 6 × 12 हो गया, 88 और 12 100 हो गया, स्क्वायर हटेगा इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या ए प्लस बी की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहां पुट कर दो आंसर आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू 10 आ गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 88 दिया हुआ है, माइनस ए बी कितना है, 6 दिया हुआ है, 88 में 6 जाएगा, 82 की गुणा 10 में करोगे तो आंसर 820 आ जाएगा, आंसर 820 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखियो भाई, 30वां क्वेश्चन, एक बार निगाह मारियो 30वें क्वेश्चन पे, एक बार निगाह मार लो। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, अगर 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है तो योग कितना हो जाएगा, 15 × 30 जीरो हासिल लगे 3, 15 × 3 = 45 और 3 = 48 480 योग हो जाएगा। यदि दो और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो अब व्यक्ति हो गए होंगे 17, औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है, इसका मतलब औसत अब 35 हो गया होगा। 17 × 5 = 85 को 5 8 × 17 = 51 और 8 × 59, 17 व्यक्तियों का योग 595 है, और 17 व्यक्तियों का योग 595 और 15 व्यक्तियों का योग 480, तो जो वो दो व्यक्ति आए होंगे उनका योग कितना होगा बच्चे, उनका योग तो 115 हो जाएगा, होगा या नहीं। उसने कहा है नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, मतलब अगर एक एक्स का है तो दूसरा एक्स प्लस 9 का होगा, क्या दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है, 9 प्लस का है उधर जाके माइनस का, क्या 106 आ जाएगा। x और x 2x 2 से डिवाइड करोगे, क्या छोटे की उम्र 53 और बड़े की उम्र 62 आ जाएगी। पूछा है व्यक्तियों में से सबसे बड़े की आयु क्या है, आंसर तो वो आ जाएगा जो ये छुप रहा है कोपचे में, जो छिप रहा है ना ये कोपचे में, आंसर तो ये अभी भी 53 दे रहे हैं, ये लो अभी भी 53 दे रहे हैं, 53 और 9 = 62 होते हैं, 53 और 9 = 62 होते हैं। चलो चलो भाई 30 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, अब आपके सामने पवन सर आएंगे और पवन सर अपनी आगे की कार्यक्रम को जोड़ेंगे। लेकिन मैं जाऊंगा कब, मैं जाऊंगा तब जब यहां 500 देख जाऊंगा, मुझे भी 500 देखना अच्छा लगता है, मुझे भी 500 देखना अच्छा लगता है। ये रख दिया मैंने पेन, अब थोड़ी सी बातें कर लें, इतने 500 लाइक आप लोग कर देंगे, कर दो भाई फटाक से, जितनी जल्दी भगाना चाहते हो उतनी जल्दी आप 500 कर दोगे। नाम ले लूंगा, हाँ समीर भाटी जी का नाम लिया, राहुल गुजर जी का नाम लिया 467 हो गए, रेनू गांगुली का नाम लिया, कुमकुम ठाकुर का नाम लिया, प्रजापति किंग का नाम लिया बच्चे। चलो भाई राहुल गुजर नमस्ते भाई नमस्ते, 474 जल्दी से भगा दो यार जल्दी से, एक बार 500 के बिना नहीं भाई साहब, शर्त की बात है, आज आज शर्त हरवा दोगे आप, आज शर्त हरवा दोगे पवन सर से, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। 477 मुझे लग रहा है हारना पड़ेगा, मुझे लग रहा है हारना पड़ेगा, पवन सर बेल्ट वेल्ट कसने लगे हैं, क्रीम प्रीम लगाने लगे हैं, तैयार होने लगे हैं पवन सर, जल्दी से एक बार कर दो यार, कर दो जल्दी से कर दो एक बार। चलो 486 486, चलो भाई बहुत सुंदर है, 85 कर दिए, धनंजय साक्या ले दिया 88, पवन सर का आगमन हो गया भैया, दो तरीके की क्रीम लगा चुके हैं, आने वाले हैं भाई। सर रुको यहीं पर, रुक गए भाई साहब अमित गौतम जी रुक गए, 490 490 भैया 490 91 विदाई का समय आ चुका है बच्चे, ऐसे नहीं, जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार चुटकियों में दिखा दो कैसे करोगे,
493 हैं। 493 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे शर्त हरवा दोगे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई? सर आप गुस्सा करते हो? ना ना ना, गुस्से का क्या मतलब यार? गुस्सा तो मेरे आसपास भी नहीं भटकता। गुस्से का क्या मतलब है? 95 आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ। गौरव कुमार भैया नाराज हो गए कि बच्चों ने शर्त जितवा दी, बच्चों ने शर्त जितवा दी। 97 क्लास बहुत अच्छी रही सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। 496 500 हो गए हैं सर का आगमन यहाँ पे होता हुआ। और सर हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको कल की क्लास के बारे में बता देता हूं, कल राहुल सर की क्लास नहीं होगी, कल वो किसी कारणवश कहीं बाहर हैं, बाहर रहेंगे मतलब कहीं पर वो जा रहे हैं। और कल जिन बच्चों का मैथ वीक है वो सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक की क्लास लेना ना भूलें। रितु वर्मा जी मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है? ये नया नाम मत निकालिएगा, अभी हम सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, वो उन्होंने वैसे ही बोल दिया था। चलिए टॉपिक पर चलते हैं मेरे दोस्तों। आपके समक्ष मात्र आज ये 40 प्रश्न होंगे और चालीस ही प्रश्न बहुत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के समक्ष लिखे हैं। क्या क्या प्रश्न है वो देखिएगा, कमेंट्स बाद में कर लेना, जो आपको बोलना है वो आपकी मर्जी है भाई, आपका हूं जैसा आपको उचित लगे। दोस्तों आज 40 प्रश्न है, आपको अपना स्कोर बताना होगा, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों क्या होगी, आज इन 40 क्वेश्चन में से मैं आंसर कम आप ज्यादा बताओगे, समझ रहे हो ना? और ये क्या है, किसी का नाम लेना है नहीं लेना क्लास के बाद, और मैं हर किसी का नाम लूंगा लेकिन क्लास से पहले नहीं। दोस्तों देखिए वो पूछ रहा, भारत का यदि आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए, वो ये आपसे पूछ रहा है कि यदि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए आपको राष्ट्रपति बनना है तो भी 35, राज्यपाल बनना है तो भी 35, उपराष्ट्रपति बनना है तो भी 35, बात क्लियर आ गई। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 25 से काम चल जाएगा, लोकसभा का सदस्य बनना है तो भी 25 से काम चल जाएगा, और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 से काम चलेगा। ये 6 आपको साल याद होने चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति की बात करता हो, राज्यपाल की बात करता हो, उपराष्ट्रपति की बात करता हो तो 35 चलेगा, प्रधानमंत्री की बात करता हो तो 25 चलेगा, लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल की बात करता हो 25 चलेगा, लेकिन अगर बात राज्यसभा की करता हो तो 30 वर्ष चलेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, 35 वर्ष चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के समक्ष लिखा है मेरे दोस्तों, एक समिति होती है संसद की जिसका नाम है प्राकलन समिति। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, प्राकलन समिति जो होती है, एक वर्ड समझना आप, प्राकलन, प्राकलन समिति में टोटल जो सदस्य होते हैं वहां राज्यसभा को एंट्री नहीं दी जाती है। कई बार आपको बता दूं वहां राज्यसभा से सदस्य नहीं होता है, आपसे ये पूछ सकता है कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। अगर कार्यकाल की बात करता हो तो कार्यकाल का वर्ष होता है सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष। दोस्तों ध्यान रखना, 1 वर्ष होता है, कितने वर्ष? 1 वर्ष होता है, गलती से 2 वर्ष लग गया, कितने वर्ष होता है दोस्तों? 1 वर्ष कार्यकाल होता है, बात क्लियर है? चलिए अपने स्कोर बाद में मैच कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप सभी को करा देता हूं आज। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है?
आप समक्ष लिखे हैं ऑप्शन बताइएगा, मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा। जल्दी बताइएगा, आजाद यादव जी ने सबसे पहले बिल्कुल सटीक और सही आंसर दिया है। चलिए दोस्तों ध्यान रखना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इन तीनों ऑप्शन से अलग है। हम जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसकी विवेचना की गई है। भारतीय संविधान का सबसे प्राचीनतम पद है। और दोस्त ये भी ध्यान रखना, वर्तमान समय में गिरीश चंद मुर्मू जी वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। शॉर्ट में हम बोल देते हैं कई बार कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, यहां से पर्सन आने की संभावना है। सर दो क्रीम लगाकर आए, अरे यार तुम जीना हराम कर दोगे ऐसे तो। चलिएगा दोस्तों, यही सवाल मैंने जब मैराथन क्लास ली थी उसी क्लास में प्रश्न कराया था, बहुत ही ज्यादा प्रश्न आप सभी के समक्ष लिखा है। देखिए, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किस अनुपात में रहता, वो आपसे इतना पूछना चाह रहा है। दोस्तों मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अरे कुंवर पाल भैया, आप लोग क्यों इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हो जाएगी शादी वादी जब हो तो मैं बुला लूंगा, ठीक है। हाँ आपको बुला लूंगा, आप परेशान मत होइएगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब अनुपात की बात करता हूँ तो दोनों में अनुपात आ जाता है, 2:1 का, बहुत ज़्यादा बात आ जाती है ये कि बताइए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किस अनुपात में चुने जाते हैं। तो दोस्तों यही सवाल मैंने आपको एक बार टेस्ट में कराया था और मैराथन क्लास में भी यही प्रश्न आपको कराया था, क्या कि बताइए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किस अनुपात में रहते हैं। तो आप सभी का सही आंसर आ जाना चाहिए, 2:1 के अनुपात में रहते हैं। चलिएगा बहुत आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आ गया आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दोस्तों अभी मैंने आपको आंसर बताया था कि दो समितियां ऐसी होती हैं, वो कई बार ऑप्शन में आकलन दे देता है और कई बार प्राकलन भी दे सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, वो यार आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग लोकलेखा समिति आंसर दे रहे हैं। मेरे दोस्तों लोकलेखा में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ये ना री एंट्री, ये नहीं री एंट्री है। अब आप क्या आंसर आपने दे दिया, आप जो कहोगे वो बिल्कुल बताया जाएगा। मेरे पास समझिए, इनमें से कौन सी नहीं है, आंसर ये नहीं है, क्योंकि यहां अगर आंसर आएगा तो वो आकलन समिति आएगा। दोस्तों आज थोड़ा सा सर में दर्द की वजह से मैं तेज नहीं बोल पा रहा हूं, आप समझदार हैं, खुद में ही आप लाइक कर दीजिएगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों जब केंद्रीय बैंक की बात आती हो तो हम जानते हैं हमारा जो केंद्रीय बैंक है, दोस्तों समझने की कोशिश करना। सर जी आज तो स्मार्ट लग रहे हो, बोले जाओ भाई आज आप इस तरीके से, मैं तो बाद में ही आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, तुम कहो जो कहना आपको, ठीक है। अगर आप कुछ भी मानते हो तो वीडियो लाइक वाइक करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या आएगा आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि भारत की बात करता हो दोस्तों, बैंकों का बैंक पूछता हो या कुछ भी पूछता हो, तो आप बताएंगे मेरे दोस्त आंसर उसका क्या आ जाएगा। आप ध्यान रखना, उसका आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, उसका आंसर आ जाएगा क्या, भारत आ जाएगा। और भारत का आंसर कौन सा, आरबीआई। आपसे बैंकों का बैंक पूछता हो, भारत का सरकार का बैंक पूछता हो, आप सभी आंसर आरबीआई देंगे, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है भैया जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, 10 मई 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है कि बताइएगा क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं कि कौन प्रधानमंत्री थे आपको यह बताना है। तो मेरे दोस्तों आंसर आ जाता है लॉर्ड पॉमस्ट्रम, क्या आ जाता है, लॉर्ड पॉमस्टर्न आंसर आ जाता है। ये इंग्लैंड जिस समय 10 मई 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की आजादी के समय, दोस्तों मेरी बात समझना, अभिषेक लोधीपुर, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना, जिस समय आपसे वो ये भी सवाल पूछ सकता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैं आप सभी से इस सवाल पूछना चाहूँगा, लेबर पार्टी की सरकार थी, किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी, और आपको प्रधानमंत्री बताने वो कौन थे। मैं जल्दी आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 38,
बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसको बिठाया गया था? आप में से जो भी बच्चा चर्चिल गलत है, चर्चिल गलत है दोस्तों, समझिएगा, जो भी बच्चा मेरा यहाँ पर भाई, मेरी कोई बहन, आप में से कोई भी बच्चा ऐसा हो जो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, दोस्तों ध्यान रखना, आप में से कोई भी ऐसा भाई हो या बहन हो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, विशेषकर तो हमारा सभी का उद्देश्य रेलवे है, लेकिन आज आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिएगा, ये प्रश्न आएगा, समझ रहे हो ना दोस्तों मेरे, जब ये प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। बक्सर की लड़ाई आप बताएंगे, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, कब हुई? 1764 में। हम पहले डिटेल पढ़ते हैं एग्जाम में आए हुए हर क्वेश्चन की। यहाँ क्या है दोस्त मेरे, लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया या किसे गद्दी पर बैठाया गया? हम जानते हैं कि 1764 की जब लड़ाई हुई थी, एक तरफ से हेक्टर मुंडो आया था, तुम ट्रैक्टर से याद रख लियो, हेक्टर मुंडो आया था, कौन आया था? हेक्टर मुंडो। इधर तीन तरीके की सेना थी, मीर कासिम था बंगाल का नवाब, मीर कासिम था, सुजाऊ दौला था और तीसरा शाह आलम द्वितीय था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन तीनों की सेना भी हेक्टर मुंडो से हार गई थी, और मीर कासिम के बाद मीर जाफर को फिर से वहां का बंगाल का नवाब बनाया गया था। मुझे लगता है कि आप सभी का आंसर सही है दोस्तों। जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है वो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना। प्रश्न आ गया, सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? आप में से जो बच्चे इंटर से पढ़े होंगे, इंटर केमिस्ट्री से किए होंगे या साइंस साइड से किए होंगे, उसमें वो वाला सवाल, 10 मिनट की बात है बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट हो रहा है, हमारी आपकी 10 मिनट की मुलाकात है, इसमें आप जल्दी जल्दी कैसे जवाब देते हैं मुझे दिखा दीजिएगा दोस्तों। ध्यान रखना, ये हमारे एक टीचर हुआ करते थे, मैं उन्हें गुरु समान तो क्या, बहुत ज़्यादा आदर उन सम्मान उनका करता हूँ, नाम है पुष्कर चंद शर्मा जी। तो पुष्कर शर्मा जी ने ये सवाल मुझे एक बार डंडी मार के याद कराया था, आपको भी एक मिनट में कैसे याद हो जाएगा वो देखिएगा मेरे दोस्तों। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? इसे दो ही जगह रखा जाता है, कहाँ कहाँ पर? एक तो मिट्टी के तेल में और दूसरी बार बालू रेत में। दोस्तों समझिएगा, इन्हें दो ही जगह रखा जाता है, या तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, या फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा मैं आप सभी को बता दूं, इन्हें रखा जाता है मेरे दोस्त कहां पर? बालू रेत में। दो जगह रखा जाता है इसे, मिट्टी का तेल या बालू रेत। आप सभी का आंसर ठीक था। देखिए, सभी को अपने गुरु का आदर और सम्मान मरते दम तक करना चाहिए, जो मेरा मानना है, बाकी आप समझदार हो मेरे दोस्तों। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रयोग किया जाता है? आप सभी से सवाल पूछ रहा है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मैग्रोव वनस्पति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मैग्रोव वनस्पति के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह चीज भी मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, दोस्तों ये भी ध्यान रखना, पहली बात तो ये कि अगर हमसे आंसर पूछता हो तो मैग्रोव वनस्पति है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि मैग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपने आंसर भी दे देते हो पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनसे क्या निकलता, तो आप बताएंगे सीएफसी गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? सीएफसी गैसें निकलती हैं जो ओजोन परत को नुकसानदायक होती हैं। आप सवाल देखिए क्या पूछ लिया आप सभी से, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चित्रर, हेमावती, होनूहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों एक ही नाम याद रख लो, बस अमरावती और हेमावती, हो सके गाँव में एक दो मिल जाए आपको। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनमें तो एक ही पढ़ते ही हमारा आंसर आ गया था, जब मैंने अमरावती पढ़ी थी तभी मुझे पता लग गया था कि ये तो कावेरी की सहायक नदी है। किसकी है भैया? कावेरी की सहायक नदी है। चलिए, पीलियो किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, या अच्छा सवाल क्या है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? भाई इन्होंने ऑप्शन क्या और सवाल दूसरा चेंज हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, आपसे ये पूछ लेगा पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो परेशान नहीं होना, वो थोड़ी सी गलती हो गई है आपको, मैं बता दूं मेरे दोस्तों लीवर प्रभावित होता है। कौन है? लीवर प्रभावित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? वो भी लीवर होती है, ये भी आप सब जानते हैं दोस्तों। आप 757 लोग देख रहे हो और वीडियो आप लोगों ने मात्र 530 लोगों ने ही लाइक की है। मैं थोड़ा सा गले में दर्द है, इस वजह से आपसे तेज नहीं बोला हूँ, लेकिन आप तो इतने तो समझदार हो कि अपने इस भाई की फीलिंग को समझ सको, जो समझ जाएगा वो तुरंत लाइक कर देगा, बाकी मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्तों। 43% आ गया दोस्तों, एक घंटे के अंतर के लिए
कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? दोस्तों ये सवाल आपसे ये भी पूछ सकता था, पृथ्वी एक घंटे में कितने डिग्री घूमती है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता था। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, यहां से क्या क्वेश्चन आ गया तो आप बताएंगे 15 डिग्री घूमता है। कितने? 15 डिग्री। बहुत बढ़िया, आप सभी का सटीक आंसर है। मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूंगा आपको। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहां कहां पर प्रचलित है? हम बताएंगे कि हमने इस शक्ति को, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, हमने इस शक्ति को अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया है। कहां से? यूएसए के संविधान से लिया है। तो दोस्तों जब हमने उनके संविधान से लिया है तो हमारे पास भी है और उनके पास भी है, मतलब ये शक्ति तो दोनों देशों के पास है। कितने देशों के पास है? भारत और यूएसए दोनों देशों के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? दोस्तों आप सभी के सामने ऑप्शन रखे हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी मुझे आंसर बताइएगा। देखता हूं कौन बच्चा ठीक आंसर दे पाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर नर्मदा नदी है। क्या है? नर्मदा नदी। आप सभी नोट करके लिख लीजिए, आंसर तो भैया नर्मदा नदी आ गया। क्या आ गया? नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, रेतीली मिट्टी होगी, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मेरे दोस्तों चिकनी मिट्टी होगी तो पौधा वैसे ही गल जाएगा, तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है। आप सब गांव के बच्चे हो, ज्यादातर खेत किसान से जुड़े हो, तो दोस्तों ऐसे निकाल लिया करो ऑप्शन, भाई रेतीली मिट्टी होगी तो पेड़ सूख ही जाएगा, ज्यादा चिकनी होगी तो पेड़ वैसे ही गल जाएगा। तो सीधी सी बात है भैया, इसके लिए तो दोमट मिट्टी सही रहेगी। कौन सी रहेगी? ना रेतीली ना दोमट ना चिकनी, सही रहती है मिट्टी। बात क्लियर है दोस्तों? ऐसे होते हैं अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा है एग्जामिनर ने, पता नहीं क्यों इतना बार इस क्वेश्चन को पूछता है, और बहुत आसान प्रश्न है फिर भी इस क्वेश्चन को वो बार बार पूछता है। क्या है आंसर दोस्तों? ध्यान रखिएगा, वो पूछ रहा है आपसे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो आप लोग आंसर देंगे वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्लेग किसके कारण होता है? दोस्तों ध्यान रखना, जब मैं प्लेग पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एकदम इतिहास याद आ गया। इतिहास इसलिए याद आ गया, आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो पहली राजनीतिक हत्या हुई थी वो मिस्टर रैंड की हुई थी। किसकी हुई थी? मिस्टर रैंड। आप कहोगे ये रैंड कौन आ गया गुरुजी, आप तो साइंस पढ़ा रहे हो, रैंड कहाँ से आ गया? ध्यान रखना, जब भारत में पहली बार प्लेग फैला था तो वहां पर प्लेग अधिकारी मिस्टर रैंड को ही बनाया गया था, और इसी को चापेकर बंधुओं ने गोली मारी थी। दामोदर चापेकर और गणेश चापेकर ने मिलकर इसको गोली मारी थी, जो कि भारत की पहली राजनीतिक हत्या थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बीमारी किसके कारण होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं। ये वायरस के कारण होती है। किसके कारण? बहुत बढ़िया, चूहे तथा बिल्ली के पिस्सू से होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, ये जीवाणु के कारण होती है। किसके? गलत बोल गए हम, जीवाणु के कारण होती है। जीवाणु, जीवाणु। बहुत बढ़िया, अब लाइक कर सकते हो आप लोग। गौतम बुद्ध जी को एक पुत्र हुआ था, सब जानते हैं, उस पुत्र का नाम क्या था? हो सकता है तुम्हारे आसपास कोई घूम रहा हो, हमारे सर अभी गए हैं, कौन? आप सभी जानते हैं नाम क्या है? राहुल। तो भैया गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम एक ही नाम था, एक ही पुत्र था, तो आप रखेंगे राहुल मैथ वाले सर, राहुल सर याद रख लेंगे, या जैसे भी याद करेंगे आप याद कर लेंगे कि गौतम बुद्ध को एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम उन्होंने रखा था राहुल। क्या नाम रखा था भैया? राहुल। याद रखोगे? चलेगा, आप यार वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो, चलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन की विवेचना करता है? मैं इस क्वेश्चन को कम से कम 1000 बार आप सभी को बता चुका हूं। पहले तो मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा और आपसे कहूंगा कि इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, किसमें? अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40 में यह विवेचना की गई है। किस चीज की? कि भारत में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। बात क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आप सभी के समक्ष। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे भारी धातु की बात आ जाए तो ओस्मियम होती है, सबसे हल्की की बात आ जाए तो लिथियम होती है। कौन सी होती है? लिथियम होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, जब आपसे पूछता है कि सबसे भारी धातु बताइएगा, तो दोस्त ध्यान रखना ये गलत हो गया। आप लोग बताएंगे क्या, सबसे हल्की भारी धातु बताइए तो वो ओस्मियम ही होती है। क्या होती है? ओस्मियम। चलिए,
किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण या मीनू मसानी या राम मनोहर लोहिया, जल्दी मुझे आंसर दीजिएगा, मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान रखना, राम मनोहर लोहिया जी, क्या नाम है उनका, राम मनोहर लोहिया जी भी भागे थे, लेकिन यहां जो इन्होंने सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया था दोस्तों ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? मैं तो आप सभी के आंसर का थोड़ी देर वेट करूंगा और फिर आपको आंसर बताऊंगा। दोस्तों मैं तो जल्दी जल्दी बता देता हूं, आज आंसर फ्लोरीन होती है। कौन सी? फ्लोरीन होती है। सही आंसर आया था आप सभी का। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? यह सवाल एक बार पूछा गया एसएससी सीजीएल के प्री पेपर में, पूछा गया था कि सबसे ज्यादा परिवर्तनांक कितना होता है हीरे का। तो दोस्तों ध्यान रखना, 2.42 होता है। कितना? 2.42 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? घुलनशील, दोस्तों इसे भी आप सही कर लेना, कोई बात नहीं। घुलनशील है दोस्तों, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा घुलनशील है। तो मैं तो आप सभी का वेट कर रहा हूं, आपको बीसी और अड़ाक के नाम से ये चीज याद कराए होंगे। आंसर बीसी है। क्या है भैया? बीसी इसका सही आंसर है। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? बहुत तकड़ा सवाल है मेरे दोस्तों, मैं इस सवाल का आपका वेट करूंगा आंसर का। मैं देखना चाहता हूं क्या इस सवाल का आंसर भी आप में से सही दे पाएगा कोई बच्चा। है कोई बच्चा जो सही आंसर देगा इस क्वेश्चन का? दोस्तों लगभग 70% बच्चों ने आंसर सही दिया है, जितनों के मैं कमेंट्स देखा हूं उसी के अनुसार बता रहा हूं। एस एन सेन इसके सरकारी इतिहासकार थे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 57। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? दोस्तों आप सभी को पता होगी, ये तो सभी जानते होंगे, इस प्रश्न को कौन गलत कर पाएगा। हम सभी जानते हैं जब मानव हृदय की बात आती है तो मानव हृदय चार कक्ष में बड़ा होता है, जिसे हम दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। अगर मेंढक की बात करता हो तो मेंढक में तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। चलिए, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ये प्रश्न आप सभी को बताना है। तो आप बताएंगे भारत की सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश से। 4096.6 किलोमीटर सीमा लगती है और वो सबसे अधिक किससे लगती है? बांग्लादेश से। अगर वो कल आपसे सबसे कम पूछ लेता तो दोस्तों अफगानिस्तान से लगती है। किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। सबसे ज्यादा किससे लगती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बांग्लादेश से लगती है। आपका क्लियर है? सभी का सही आंसर यहां तक है। अरे यार, अब तो लाइक कर दो वीडियो को। चलिए एक बार आप सभी से मेरा निवेदन है, अब इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि लाइक करना है या नहीं करना है। हाँ जी, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम लगती है हमारी अफगानिस्तान से। मैं आप सभी के ये 600 तो करी दो कम से कम यारो। चलिए आगे, आंसर, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, मदरबोर्ड होती है। क्या? मदरबोर्ड। बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं मैं आज आपसे। अब देखो दोस्तों, भैया बायो का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है? विटामिन ए की कमी के कारण क्या रतौंधी होती है? बिल्कुल होती है, आप सभी जानते हैं रतौंधी होती है। क्या विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी होती है? गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या विटामिन सी की कमी के कारण रिस्कर्वी होती है? गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका मतलब तो फिर तो आंसर चारों ही ठीक हो जाने हैं कि भैया इसका आंसर तो फिर डी हो जाना है। बताओ कितने बच्चों का आंसर डी था, अब आप खुद देख लीजिएगा। अब हमारे क्वेश्चन आ गए नेक्स्ट। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों में कमी को क्या कारण रहा था? दोस्तों आप लोग एक ही आंसर शॉर्ट में बताएंगे कि उस समय व्यापार में गिरावट आ गई थी। क्या आ गई थी? व्यापार में गिरावट आई थी, व्यापार में गिरावट आई थी। चलें, आर्यो की मुख्य भाषा कौन सी हुआ करती थी? दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है, आर्यो की मुख्य भाषा कौन सी हुआ करती थी? मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूं। तो आर्यो की मुख्य जो भाषा हुआ करती थी, सबसे पहले तो ये कि जो आर्य शब्द का मतलब होता है वो श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ, यानी कि उच्च। तो ध्यान रखना, अगर आपसे भाषा की बात करता हो तो संस्कृत है। क्या है मेरे दोस्तों? संस्कृत। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, फिर देखिए। संसद
विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समझी जाती है जब तक वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। दोस्तों वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि संसद के सदस्य यदि बिना बताए कितने दिन तक गायब रहें जिससे कि उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, तो आंसर मेरे दोस्तों 60 दिन है। क्या है? 60 दिन। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ गया दोस्तों। मैं आज दोस्तों डिटेल नहीं बता पाऊंगा किसी कारणवश, आंसर आ गया लाला लाजपत राय। बहुत तेज दर्द हो रहा है। चलिएगा नेक्स्ट पर्सन पर आ जाइएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी बोले तो दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों ध्यान रखना मेरे दोस्त, घटकर अनुमान, अब तो हर चीज़ घटेगी। किसकी वजह से? COVID-19 की वजह से। और आप सभी जानते हो मैंने COVID-19 की सुबह क्लास ली है, बहुत अच्छी क्लास थी, उसमें यह भी बताया कहां से चली, भारत में कब आई, सब चीज़ क्लियर कराई थी। आंसर दोस्तों 4.8% आ गया। नेक्स्ट चलिएगा, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इन सभी का कार्यकाल 2 वर्ष के रूप में और बढ़ा दिया गया है। इन सभी का कार्यकाल 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया दोस्तों? जो सदस्य पहले थे वही कार्यकाल करते रहे सदस्यों का 2 वर्ष का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 2 वर्ष के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैं आप सभी के आंसर का वेट करूं दोस्तों, किसका वेट किया जाता है? जल्दी बताइएगा। तो दोस्तों C2C कुछ ऐसे लिख रहे हो, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही है, जिन बच्चों का आंसर सी था, माइकर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? माइकर एक बैंक प्रणाली होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। लो जी, इससे भी आसान क्या प्रश्न हो सकता है? कोई जो ये आप सभी के सामने एक प्रश्न लिखा है, इससे आसान भी को कंपटीशन में प्रश्न मिलेगा? एक प्रश्न रह गया दोस्तों बस हमारा आज का। और दोस्तों, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आ, इससे भी आसान क्या प्रश्न मिलेगा? हम लोग 15 मार्च के दिन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लो जी लो, ये भी प्रश्न गलत कर दिया यार, 15 मार्च के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 मार्च के दिन। ये भी गलत करने वाला कोई प्रश्न था? ये भी प्रश्न कोई ऐसा था जो आप गलत करेंगे? चलो दोस्तों, अब रह गया हमारा लास्ट प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं काले की बात करें तो इनमें काला की बात कर रहा हो तो सबसे काला आप देख रहे हैं दोस्तों, काला झट काला कहते हैं, एकदम भिक एकदम काला। इनमें से क्या चीज होती है? अबरक, हीरा, ग्रेनाइट या कोयला? आप बताओ सबसे काली चीज क्या है? काला ही काला कर देता, घर में भी काला कर देता। वो क्या? काला झक होता कहते, एकदम नीला सा, एकदम काला, वो क्या है? वो है कोयला। दोस्तों ध्यान रखना, अब थोड़ी सी आज तबीयत ठीक होती तो इस काले के बारे में खूब अच्छे से डिटेल बताता। चलो कोई नहीं, वो काला तो काला ही भैया। नेक्स्ट पर्सन आ जाओ, लास्ट पर्सन आज का। इनमें से कौन सा सामान्य भारतीय संसद में वित्त बजट को प्रस्तुत करेगा? चलो भैया, अब यहां तो आज लिख भी सब काले काले में रहा है, कोई बात नहीं है दोस्तों। आरबीआई गवर्नर, बजट मंत्री, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? जल्दी बताइए। अरे गजब प्रजापति दोस्त, बहुत बढ़िया, आप सभी ने आंसर दिया है। भैया काम वित्त मंत्री करेगा। कौन करेगा? वित्त मंत्री। भाई क्वेश्चन हो गए खत्म, नए टीचर को तब बुलाऊंगा। अब आपसे कह दूं एक बार, क्योंकि मैं आज इतना ज़्यादा बोल भी नहीं पाया, आपको क्वेश्चन भी हो सकता है शायद अच्छे से आज समझ ना आए हो, क्योंकि मैं नहीं समझा पाया आज को। इन लाइकों को थोड़ा सा बढ़ा दो, लाइक के बटन पर थोड़ा सा हाथ वाथ लगा दो दोस्तों, कोई दिक्कत तो होगी नहीं तो। चलो दोस्तों, राहुल सर भी कह रहे हैं कि मैं आऊं लाइक बढ़वाने के लिए। अब आप देख लो, आप अपने पवन सर की अगर इज्जत करते हो तो जल्दी कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी कर दो, अब आपकी स्वेच्छा है दोस्तों, मर्जी आप सभी की है। मैं तबीयत खराब थी फिर भी आपके लिए आया, कहीं आपका कोई वर्ड ना रह जाए, कोई आपका पेपर ना रह जाए। देखो सर की तबीयत खराब है, सर से बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, तो जो सर कहना चाह रहे हैं उनकी फीलिंग मैं बता देता हूँ। सर ये लाइक के लिए कहना चाह रहे हैं कि ये जो 639 लाइक है ना, इसे 700 के लिए, सर 700 के लिए कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि 700 पहुँचा दो जब आगे की क्लास चलेगी। सर पे बोला नहीं जा रहा है और मैं उस बात को आप तक पहुँचा देता हूँ, सर 700 तक लाइक की संख्या पहुँचाने के लिए कह रहे हैं।
एक बार तेजी से, रीजनिंग वाले सर आए एक बार तेजी से, दवा खा लेंगे बाद में। चलो सर आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे। चलिए आ जाइए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बहादुर अनुपात कायर अपराधी अनुपात क्या? जल्दी से आंसर दे दीजिए। राम राम भैया, सभी को राम राम। आ जाइए जल्दी से। हाँ आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, बहुत सुंदर, देखो आने लगे आंसर। बहादुर, आपको बहादुर दिया हुआ है, बहादुर का संबंध कायर से, यानी कि बहादुर का अपोजिट दिया हुआ है। उसी प्रकार अपराधी का अपोजिट क्या बनेगा इनमें से, चारों ऑप्शनों में से? मासूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। लॉजिक का कोड दिया हुआ है आपको, साउंड का बताना है। जल्दी जल्दी, प्रशांत प्रजापति, कुलदीप यादव, हरीश चंद्रा, कुमार ठाकुर, मैं मासूम हूँ। चलिए देखो, आपको लॉजिक का कोड दिया हुआ है, साउंड का बताना है। चेक कर पा रहे हो बच्चों? देखो, एल आपका 12 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है। आप चेक कर पा रहे हो दोनों का क्रम? दोनों जोड़ के हमारे 27 बैठ रहे हैं, यानी कि दोनों के क्रम जो हैं वो अपोजिट दिए हुए हैं बिल्कुल। यानी कि हम चेक कर पा रहे हैं एल का शुरुआत से एल 12 पे होता है, उसी प्रकार ओ जो है वो पीछे से 12 पे होता है। यानी कि दोनों जो क्रम हैं एक दूसरे के उल्टे दिए हुए हैं। ओ को चेक करिए, ओ 15 पे, उससे आगे एल 12 पे, ये भी दोनों 15 और 12 27 हो गए। जी आपका 7 पे होता है, 7 और 20 27 हो गए, यानी कि दोनों क्रम उल्टे दिए हुए हैं। तो आप भी चेक कर लीजिए, 19 में कितना जोड़ेंगे बच्चों, 27 हो जाए, जल्दी से बताइए। 19 में 8 जोड़ने पर आपका 27 हो जाएगा, 8 पे आपका H होता है 15, 15 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, 12 पे आपका L होता है। उसी प्रकार 21 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, जी 6 पे आपका F होता है। अब आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है। N आपका 14 पे होता है, 14 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, बिल्कुल M। और D आपका 4 पे होता है, 4 और 23 आपका 27, L F M, बिल्कुल चौथा ऑप्शन सभी का सही है, H L F M W। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बॉटम का कोड दिया हुआ है आपको, ड्रम का बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए आंसर, बताइए इसका। देखो चेक करिए जल्दी से, बी आपका 2 पे होता है बच्चे, ओ आपका 15 पे होता है, टी आपका 20 पे होता है, ये टी भी 20 पे है, ओ आपका 15 पे हो गया और एम आपका 13 पे। काउंट कर पा रहे हो, जोड़ के बन रहा है सभी को, बिल्कुल 2, 15, 20, 20, 15 और 13 आप जोड़ लीजिए जल्दी से, आपका 85 हो जाएगा। उसी प्रकार आप डी को चेक करिए, डी आपका 4 पे, आर आपका 18 पे, यू आपका 21 पे, एम आपका 13 पे। जल्दी से काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे। हाँ काउंट करके देखो, 56 आने लगा आंसर सभी का। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है आपका ये।
523 आपको दिया हुआ है, 325 और 603 का आपको कोड बताना है। देखो बहुत सुंदर, देखो एक बच्चे ने सबसे पहले दिया, अरुण कुमार। चलिए जल्दी से, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, देखो सभी का गया, ठीक है। 523 उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, 325। उसी प्रकार आप 603 को विपरीत क्रम में लिख दोगे तो आपका 306 होने वाला है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, विषम पद बताना है, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी, एड्स। क्वेश्चन को पढ़ने से इसका आंसर मिल रहा होगा आपको, बिल्कुल। देखो इसके भी आंसर आने लगे, बहुत सुंदर भाई, अब तो मेहनत कर रहे हो आप लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। रतौंधी आपका कौन से विटामिन की कमी से होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से, बिल्कुल। स्कर्वी आपका सी की कमी से, और बेरी बेरी बी की कमी से। एड्स जो है आपका विषाणु से फैलने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी ई एफ जी जे एम एन क्यू टी बी ई एच, आपको इसमें विषम पद बताना है, जल्दी से बताइए बच्चों। प्रशांत प्रजापति, ठीक है आपका। संगीता, विकास दुबे, रिंकू सिंह, हरीश चंद्रा, अमित राघव, वरुण पांचाल, विजय प्रताप, राहुल गुज्जर, ठीक है, बहुत सुंदर। देखो आने लगे आंसर, आप चेक कर पा रहे हो बच्चों, डी ई एफ बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं। इसमें चेक करिए, 7 और 3, 10 और 3, 13, 3-3 का गैप है। एन आपका 14 पे होता है, क्यू आपका 17 पे होता है, टी आपका 20 पे होता है। 14, 3, 17, 3, 20। उसी प्रकार 2 और 3, 5 और 3, 8। आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है? डी ई एफ बिल्कुल क्रम से दिए हुए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 636, 525, 416, 327, इसका आंसर दीजिए फटाफट दीजिए जल्दी से। शीलू शर्मा, अंकित प्रजापति, जल्दी से आंसर, देखो आने लगे आंसर, बहुत सुंदर भाई। अजय सक्सेना, दीपक श्री, हाँ डी आने लगा, चलो। देखो 6 की पावर 2 यानी कि 6 का स्क्वायर दिया हुआ है आपको 36, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर दिया हुआ है 25, 4 का स्क्वायर भी आपको 16 दिया हुआ है, सारे दिए हुए हैं। 3 का स्क्वायर आप चेक करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे ये गलत हो गया, ये 3 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 6735, 1983, 1875, 7361, इसका आंसर दीजिए। राहुल गुज्जर, नमस्ते भाई जी। पूजा प्रजापति, हरीशचंद्र, मोनू कुमार, वरुण पांचाल, मोनू कुमार, सविता कुमारी, साक्षी चौधरी, अनुज गुज्जर, अरुण कुमार, मोनू कुमार, अरुण कुमार, शीलू शर्मा, जल्दी से बताइए आंसर, बहुत सुंदर भाई। लाइक भी करते रहिए साथ के साथ क्लास को, आज आपने लाइक बिल्कुल नहीं किया क्लास को, लाइक भी करते रहिए भाई साथ के साथ, जल्दी से आंसर के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए क्लास को। चलो हाँ बिल्कुल आ गया होगा सभी का। देखो हमें केवल संख्याएं जोड़नी है, बिल्कुल ठीक है। 7 और 6 13 और 3 16 और 5 21, इन सब का योग आपका 21 बना हुआ है। 1 और 9 10, 10 8 18, 18 और 3 आपका कितना हो गया बच्चों? 21। 1 और 8 9 और 7 16 और 5 21, ये भी आपका 21 बनने वाला है। 7 3 10 6 16 और 1 17, ये आपका गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए, एस एम के जे वी ओ एन एल डी पी ओ ए का बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एस आपका 19 पे होता है बच्चों, एम आपका 13 पे होता है, के आपका 11 पे और जे आपका 10 पे। उसी प्रकार हम चेक कर पा रहे हैं, वी हमारा 22 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है। 19 और 3 22 किए हुए हैं, 13 और 2 15 किए हुए हैं, 11 और 3 10 और 2 12 यानी +3 +2 +3 और +2 की कंडीशन लगी हुई है। जल्दी से आंसर दे सकते हो आप, डी 4 पे, पी 16 पे, ओ 15 पे और ए आपका 1 पे। हमें सबसे पहले 3+ करने हैं, 4 और 3 7 पे क्या हो जाएगा बच्चों? जी ठीक है। 16 और 2 18 पे आपका हो जाएगा बच्चों आर, और 15 और 3 18 पे फिर आपका आर आ जाएगा, और 1 और 2 पे आपका 3 पे क्या हो जाएगा? सी, जी डबल आर सी, जी डबल आर सी, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। चलो ये श्रृंखला है, इसमें बताइए जल्दी से क्या आएगा, श्रेणी क्रम दिया हुआ है आपको, आर एस डब्ल्यू एक्स बी सी, आगे क्या?
आर एस डब्ल्यू एक्स बी सी आगे क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए सभी। आर 18 पे 18 और देखिए चेक करिए डब्ल्यू 23 यानी कि 5 प्लस किए हुए हैं और 23 और 5 28 और उसी के उसी प्रकार 2 और 5 आप 7 पे क्या चेक कर पा रहे हो जी आ जाएगा 19 और 5 24 24 और 5 29 यानी कि 29 पे आपका सी आ जाएगा और 3 और 5 8 पे आपका बच्चों एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी श्रेणी क्रम का है जल्दी से बताइए ए बी जे एच आर एम वाई क्यू आंसर दीजिए इसका। अरे आप तो सभी के आंसर सही आ रहे हैं भाई क्या बात है। अनिकेत रीलखा काफी मेहनत कर रहे हो भाई आप सभी। भरत शर्मा चलिए ए आपका 1 पे होता है बी आपका 2 पे होता है जे आपका 10 पे है एच आपका 8 पे है आर 18 हो गया एम 13 हो गया वाई आपका 25 पे हो गया और क्यू आपका 17 पे हो गया। चेक कर लीजिए 1 और 9 10 10 और 8 18 18 और 7 25 कम करता चला गया पहले प्लस के 9 किए उसके बाद प्लस के 8 किए उसके बाद प्लस 7 किए तो अब की बार कितने का नंबर आने वाला है 6 का तो 25 और 6 31 31 पे आपका बच्चों क्या होता है ई यानी 26 से कितना ऊपर चला गया और ई वाला आपके सामने केवल एक ही ऑप्शन है तो कौन सा सही होने वाला है डी। ठीक है सुमित कुमार सी कहां से आ रहा है भाई क्या कर रहे हो इसके लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 2 3 5 9 17 आगे क्या आने वाला है जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर 2 3 5 9 17 आगे क्या आने वाला है। देखो 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है बच्चों 1 का उसके बाद 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है 5 और 9 में 4 का डिफरेंस है 9 और 17 में आपका 8 का यानी दुगने की कंडीशन हो रही है सब में डबल करता हुआ चला गया। इसी प्रकार 8 का दुगना आपका कितना होने वाला है 16 और जब आप 17 में 16 को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 33। ठीक है बहुत सुंदर चलिए 33 आ गया सभी का बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपके सामने कुछ पुस्तकें ये पुस्तकें लिखा हुआ है थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है कुछ पुस्तकें खिलौने हैं कोई खिलौना लाल नहीं है कुछ पुस्तकें खिलौने हैं। देखो कुछ पुस्तकें आपका जो पुस्तक का कुछ हिस्सा है वो कुछ खिलौने का हो गया खिलौने। ठीक है बच्चों उसके बाद चेक कर पा रहे हो कोई खिलौना लाल नहीं है लाल का डायग्राम आप अलग बना लोगे और लाल का डायग्राम इस वाले को भी काट सकता था हम देख सकते हैं इसे। ठीक है कुछ पुस्तकें लाल हैं कुछ पुस्तकें भैया लाल हैं एक में सही है एक में गलत है यानी कि इसमें तो नहीं बन पा रहा तो ये तो हो जाएगा गलत दूसरे वाले को चेक कर लीजिए कुछ खिलौना पुस्तकें हैं पहले वाले का ही विपरीत दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा केवल निष्कर्ष दो सही है बहुत सुंदर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ बताइए इसका आंसर फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है तो सबसे अधिक रन कौन बनाता है जल्दी से मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए भाई और लाइक भी कर दीजिए क्लास को आपने लाइक बिल्कुल भी नहीं किया क्लास को क्या कर रहे हो लाइक तो कर दो। वरुण पांचाल 2 आ रहा है हाँ जी बिल्कुल 2 आ रहा है पिछले वाले का इस वाले का बताइए आप। अरे वाह चलो फरहान राजू से ज्यादा देखो फरहान जो है वो राजू से ज्यादा रन बनाता है तो राजू से ऊपर हो गया सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम सिमरन जो है राजू से तो कम है और नीतू से ज्यादा रन बना रही है तो सबसे अधिक रन कौन बनाता है सबसे ऊपर तो फरहान ही आ गया बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। चलो बहुत सुंदर भाई सभी का आंसर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगा दीजिए जल्दी से
चलिए चलिए, देखो जो कॉमन होता है उससे सबसे पहले काट लेते हैं। बच्चों मैंने आपको यही नियम बताया है, सी सी सभी में कॉमन दिया हुआ था, उसके बाद हम चेक कर पा रहे हैं ई दिया हुआ है, इसका ओ दिया हुआ है, इसमें ओ है और इसमें ई, तो निश्चित रूप से ई वाले पहले आने वाले हैं बिल्कुल। और ई के बाद हम चेक कर पा रहे हैं, इसके तुरंत बाद ही आपका ए आया हुआ है, हम ई से ई काट लेंगे तो ए वाला सबसे पहले आ जाएगा, तो एक नंबर वाला सबसे शुरू में आने वाला है और ये चार नंबर वाला इसके बाद में, ये दोनों के काम आपके खत्म। अब एक चार वाला आपका ऑप्शन सही होने वाले हैं, तो ये आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, बाकी पहला और लास्ट का गलत हो जाएगा। उसके बाद चेक कर रहे हैं, ओ से ओ कट जाएगा, एन से एन काट सकते हो, एस से एस काट सकते हो, और इसमें टी दिया हुआ है, इसमें ई दिया हुआ है, तो पहले तो ई आता है ना, तो दो दो के बाद आपका तीन, एक चार दो तीन, जिस ऑप्शन में आपका मिल जाएगा वो आपका ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन, एक चार दो तीन, ठीक है जी। चलिए बहुत सुंदर है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आपको डायमंड का कोड दिया हुआ है, गेम का कोड दिया हुआ है, मैंगो का कोड दिया, मैंगो का हमें निकालना है, इसी में से छांट के लिख दीजिए जल्दी से। जल्दी से बताइए, डायमंड का कोड दिया हुआ है, गेम का बताना है, चेक कर लीजिए। देखो M यहां पे लिखा हुआ है, M ये रहा, M का कोड कितना हो गया बच्चों, M का कोड होने वाला है पांच, और M से तुरंत पहले A लिखा हुआ है तो A का कोड हो जाएगा नौ। N का कोड आप यहां से चेक कर लीजिए, N का कोड आपका छह हो गया, और G का कोड आपका हो गया बच्चों सात। उसी प्रकार O का चेक कर लीजिए, O का कितना हो गया आपका जीरो, 59,670। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, हाँ इसका आंसर दीजिए जल्दी से सभी, पांच सेकंड है इसके लिए। 13, 5, 174, 17, 9, 298, 20, 10 क्या, जल्दी से। अरे वाह बहुत सुंदर भाई, वरुण पांचाल, पूजा प्रजापति, कुमकुम ठाकुर, सविता कुमारी, हरीश चंद्रा, प्रीतम सिंह, दिया सिंह, दिया सिंह मेरा नाम राहुल शर्मा है, चलिए सुमित ठाकुर, राहुल कुमार, अमरजीत कुमार, चलिए बहुत सुंदर भाई, सभी का सही आने लगा बिल्कुल। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 169, और 169 में आप 5 जोड़ दोगे आपका 174 आने वाला है। उसी प्रकार 17 का वर्ग आपका 289 होता है, और 289 में आप 9 जोड़ दोगे तो 298, तो 20 का वर्ग आपका 400 होता है, और 400 में जब आप 10 जोड़ दोगे तो आपका कौन सा आंसर सही हो गया, 410, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, देखो हर बार की हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इस प्रकार का, जल्दी से बताइए। 516, देखो मैं लिख देता हूं, हर बार की आप लिखवा ही देते हो, 516 एंड का अर्थ क्या दिया हुआ है, एंड का अर्थ दिया हुआ है बच्चे भाग, उसके बाद हैज, हैज का अर्थ दिया हुआ है आपका घटाना, माइनस के 11, और एट द रेट का आपका जो चिन्ह दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों जोड़, उसके बाद आप चेक कर पा रहे हो प्रतिशत का कितना दिया हुआ है, प्रतिशत का दिया हुआ है गुणा, जल्दी से चेक कर लीजिए, बोर्ड मास का नियम लगा के आपका आंसर आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप काट लीजिए जल्दी से, 6 से इसको काट लीजिए, 6 8 48 और 6 6 36 माइनस 11 प्लस 50 चौके आपका 200 हो गया, और 86 में से आप 11 घटा लीजिए आपका 75 आ गया, तो 275 आपका कहाँ पे है बच्चों, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन आपका 275 हो जाएगा, ठीक है, ये डी ऑप्शन। चलिए हाँ इस श्रृंखला को पूरा कर दीजिए जल्दी से, इस श्रृंखला को पूरा कर दीजिए, थोड़ा सा आसान मैं कर देता हूँ, चार चार के आप इसमें सीरीज बना सकते हो। अब आपका आंसर आने, सॉरी 275 सही है मेरा, प्रशांत प्रजापति 275 सही है भाई आपका, सुमित कुमार 275 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अब ये श्रृंखला पूरी करनी है, पी आगे खाली स्थान दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है आपको, देखिए सब इस पे पहले पी लिखा हुआ है, इस पे भी पहले पी लिखा हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ पे भी पी आने वाला है, उसके बाद पी डबल क्यू, तो यहाँ पे आप डबल क्यू रख सकते हो, पी डबल क्यू आर, पी डबल क्यू आर, आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई, पी डबल क्यू आर, तो आपके जो जो आ गए वो आप रख सकते हो, क्यू पी आर और क्यू, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, ठीक है। चलो चलो बहुत अच्छे भाई, सभी का सही आ गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया, ये आपका दिशा का क्वेश्चन दिया हुआ है। रिया पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात में बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर एक बार बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, जल्दी से डायग्राम बनाइए और आंसर दीजिए इसका। देखो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चल रही है, सबसे पहले पूर्व दिशा में से 5 किलोमीटर चला दो, ये चला दिया जी। उसके बाद क्या बोल रहा है, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, यानी नीचे की तरफ वो 8 किलोमीटर चली। उसके बाद क्या चेक कर पा रहे हैं, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चलेगी, ये चलेगी जी 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अब 8 चल रही है तो अपनी पहली वाली स्थिति पे आ जाएगी, इसके समांतर आ जाएगी 8 पहली वाली लाइन पे। उसके बाद बोल रहा है अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर और चला दो इसे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी। बच्चों नीचे 4 थी तो ये भी इसकी जो समांतर दूरी है वो 4 आने वाली है, और ये आपकी पहले से ही 5 थी, तो टोटल कितना हो गया, 14। 14 आपका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अच्छा ये आव्यूह का क्वेश्चन, देखो हर बार की ये भी आ रहा है आपका पेपर में, आव्यूह का क्वेश्चन। क्रैब का आपको कोड बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्रैब का, CRAB का कोड बता दीजिए जल्दी से बच्चों। कमेंट चलो तो कमेंट, हाँ जी चलिए। देखो सी, देखो सबसे पहले हमें ऑप्शन चेक करने होते हैं, 55 पे चेक कर लीजिए बच्चों, 55 पे देखो आपको सी दिया हुआ है, बिल्कुल 5 वाली पंक्ति देखनी है और 5 वाला ही हमें कॉलम देखना है, तो 55 पे आपका सी आ गया। 58 पे चेक करिए, यानी कि 5 वाली पंक्ति और 8 वाला कॉलम चेक करना होता है, आर मिल गया हमें, ठीक है बिल्कुल आर लिखा हुआ है यहाँ पे। 10 पे चेक कर लीजिए, 1 वाली पंक्ति है और 0 वाला कॉलम है, ए आपका मिल गया, ठीक है। 13 पे और चेक कर लीजिए, 1 वाली पंक्ति और 3 वाला कॉलम आपका बी मिल गया, तो पहले ही ऑप्शन से आ गया बिल्कुल, 55, 58, 10, 13, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए क्या हो गया, हाँ इसका आंसर दीजिए भैया। एक आदमी ताड़ के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है और अगले सेकंड में 2 मीटर सरक जाता है। 2 मीटर सरकने का अर्थ है 2 मीटर फिसल जाता है नीचे, 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि वह शीर्ष पर नहीं पहुंच जाए, तो वह शीर्ष पर कितने सेकंड में पहुंचेगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल देखो आने लगे आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल जो हमारी पेड़ की ऊंचाई दी हुई है उसमें से हम पहली चढ़ाई को माइनस कर लेते हैं, यानी कि पहली बार में वो 4 मीटर जा रहा है तो 4 मीटर हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 20। हमें केवल ये 20 पहुंचाना है, उसके बाद तो 1 मिनट में 4 मीटर की छलांग लगाएगा, ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो चेक करिए, वो 1 सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है, अगले सेकंड में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी कि कुल 2 सेकंड में वो कितना चढ़ रहा है, 2 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, तो हमें 20 भेजना है, तो 20 भेजोगे आप इसे कितने में, 10 × 2 = 20, 20 सेकंड में वो आपका 20 मीटर चला जाएगा, 20 सेकंड में 20 मीटर जाने वाला है। अगली एक सेकंड में प्लस की 4 छलांग लगाएगा, ऊपर जाके बैठ जाएगा, यानी टोटल वो कितने, 21वें सेकंड में ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है, 21वें सेकंड में ऊपर जाके बैठ जाएगा, ठीक है भाई सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आकृति आ गया, दर्पण प्रतिबिंब आपका, इसमें दर्पण प्रतिबिंब बता दीजिए जल्दी से, कौन सा वाला सही होने वाला है, दर्पण प्रतिबिंब जल्दी से बताइए इसका आंसर। राहुल गुज्जर सारे सही जाते हैं रीजनिंग में मेरे, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। चलिए हाँ देखो आने लगे आंसर।
दर्पण प्रतिबिंब इसी चित्र का विपरीत चित्र आपको बना देना है, बिल्कुल आप चेक कर लीजिए आपका ये बनने वाला है, और ये वाली जो लाइन है ये आपकी किधर आने वाली है बच्चों, जल्दी से चेक करके मुझे बता दीजिए ये आपकी किधर आने वाली है, बता दीजिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। चलो बहुत सुंदर, ठीक है बस इसी का इसमें काम था सबसे मेन इंपॉर्टेंट बस, और वो आपका पहले ऑप्शन से सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भोजन सब्जियां सेब, भोजन सब्जियां और सेब, भोजन भोजन सब्जियां और सेब का आपको डायग्राम बनाना है, जल्दी से बना दीजिए कौन सा आने वाला है। अरे देखो बहुत जल्दी आने लगे आंसर, ठीक है बहुत सुंदर। देखो भोजन, भोजन के अंदर आप सब्जी को रख लीजिए और सेब को थोड़ा सा अलग रख लीजिए, सब्जी थोड़ी ज्यादा, मैंने डायग्राम थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, आप चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका भोजन का डायग्राम, एक तरफ आप सब्जी रख लीजिए और एक तरफ आप सेब, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कागज काटना पेपर कटिंग, चलिए इसका आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से। कागज काट के आपकी एक कटिंग यहां पे की हुई है, जब आप इस चित्र को पूरा खोलोगे, इस कागज को जब आप पूरा खोलोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 95 का आंसर दीजिए जल्दी से, ए आ रहा है सभी का, चलिए चलिए आगे चलिए जल्दी से, बी आ रहा है, बहुत सो का बी आ रहा है, ए आ रहा है। चलो देखो इसी को आप जब आप इसी को पूरा करोगे तो ये वाली जो आकृति है वो आपकी बच्चों यहां पे बनने वाली है निश्चित रूप से, ठीक है भाई, ये यहां पे बनने वाली है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये आकृति यहां पे बनेगी। अब ये आकृति एक तरफ इधर को बन रही है, एक ही तरफ को इधर को आनी है, ये बीच में थोड़ी आनी है, ये वाला तो यहां पे गलत हो जाएगा, ए वाले गलत हैं, ये बच्चों बी वाला सही होगा आपका बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन मसूर की दाल दालें, इसका डायग्राम बना दीजिए, भोजन मसूर की दाल और दालें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सर डाउट में है, कौन सा डाउट में है बताओ, भोजन मसूर की दाल दालें, देखो मसूर की दाल, मसूर की दाल जो होती है वो दाल का ही एक प्रारूप है बिल्कुल, और दाल हमारा भोजन के अंतर्गत आती है बिल्कुल, आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है, बी वाला, ठीक है बी है सभी का सही। नेक्स्ट, ये पासे का क्वेश्चन है, आपका डाइस दिया हुआ है 1, 5, 3, 5, 6, 4, इसमें पूछा है आपका पांच संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, पांच फलक वाले, पांच संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जल्दी से, हाँ बी आ रहा है। चलो अमित कुमार, सुनील कुमार, रुपेश नागर, नरेंद्र सिंह, भैया लाइक भी कर दीजिए साथ के साथ क्लास को आप, चलिए ठीक है। देखो हमारा, हम सबसे पहले चेक करते हैं दोनों पासों में हमारी जो संख्या कॉमन होती है बच्चों उसको चेक कर लेते हैं, दोनों में हमें पांच दिया हुआ है, उसके बाद आप पासे को घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि जैसे क्लॉकवाइज आप इसको चलाते हो तो पांच के बाद बच्चों क्या आने वाला है, तीन, एक के बाद तीन, पांच एक और तीन, घड़ी पासे को आप घड़ी की सुई की दिशा में घुमा सकते हो बिल्कुल, एक ही तरफ को लेकर चलना है, उसी प्रकार हम इसमें चेक कर पा रहे हैं, पांच के बाद चार आएगा और चार के बाद आपका छह, पांच के बाद आपका चार आ रहा है और उसके बाद छह, तो छह तीन आपस में विपरीत हो गए, एक और चार विपरीत हो गए और पांच के विपरीत एक नंबर बचा हुआ है कौन सा, दो, तो आपका ये आंसर दो सही होने वाला है। दूसरा इसमें क्या कंडीशन है, दूसरा तरीका क्या होता है आप चेक कर लीजिए, देखो पांच के पास एक लिखा हुआ है, पांच के पास आपका तीन लिखा हुआ है, हम यहां से चेक कर पा रहे हैं पांच के पास छह लिखा हुआ है, पांच के पास चार लिखा हुआ है, तो एक तीन चार और छह तो इसके अपोजिट होने वाले नहीं है बिल्कुल, तो कौन सा बचा, केवल दो बचा आपके लिए, आंसर बी सही हो जाएगा। राजकुमार जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आपको इलास्टिक का कोड दिया हुआ है, स्मार्टर का बताना है जल्दी से बता दीजिए, प्रशांत प्रजापति जो नहीं है वो लिख दो, संगीता, पिंकी राजपाली, चलिए आंसर दीजिए। देखो कल वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसे आपको कल कराया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ई एल
ASTIC, आपको इलास्टिक का कोड दिया हुआ है SMARTER। बच्चे आप चेक कर लीजिए, क्रॉस वाली कंडीशन बहुत ज्यादा परेशान करती है बच्चों को, हमें निकालना है स्मार्टर का, SMARTER और R का, स्मार्टर का आपको कोड बताना है, जल्दी से चेक करिए। देखो सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई, चेक कर लीजिए, ELASTIC, इलास्टिक का आपको दिया हुआ है DOHVF और LW, ये आपको दिए हुए हैं, चेक कर लीजिए जल्दी से। देखो ई से आप चेक करिए बच्चों, ई से आप क्रॉस में चेक करिए, ई आपका 5 पे होता है, एच आपका 8 होता है, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ है। इसी प्रकार हम एल से चेक कर पा रहे हैं, एल 12 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है, ठीक है, ए आपका 1 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, यानी कि क्रॉस में 3-3 की कंडीशन लेके चल रहा है। उसके बाद हम बीच वाले अक्षर को चेक कर रहे हैं, एस आपका 19 पे होता है और वी आपका 22 पे, इसमें भी प्लस 3 किया हुआ है। लास्ट वाले में चेक कर लीजिए, टी 20 पे और डब्ल्यू आपका 23 पे प्लस के 3, आई आपका 9 पे, एल आपका 12 पे प्लस 3, सी 3 पे, एफ 6 पे प्लस के 3, ये वाली इसमें कंडीशन लगी हुई है। आप अपना स्मार्टर का कोड इसी के अनुसार बता सकते हो, SMARTER और R। तो S से हम जब प्लस 3 करेंगे तो बच्चों क्या आने वाला है, 19 और 3 22 पे आपका क्या होता है V, 13 और 3 16 पे आपका बच्चों होता है P, 1 और 3 4 पे होता है आपका DPV। उसके बाद आगे चेक करेंगे 18 18 और 3 21 पे आपका क्या होता है U। उसके बाद 20 और 3 23 पे होता है आपका W, 5 और 3 8 पे आपका H होता है, 18 और 3 21 पे आपका U होता है। तो आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है देख लीजिए जल्दी से, DPVWHW, ठीक है, बहुत सुंदर भाई, अच्छा क्वेश्चन था। इसी में गलती होती है बच्चों से, बस अगर सीधे सीधे कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है तो वो तो आसान रहते हैं, गलती तो इसी में होती है ना जो क्रॉस वाली कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जल्दी से चेक करिए इसको। अगर मैजेंटा का कोड दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया भाई, मैजेंटा का कोड दिया हुआ है, रियल नंबर लिखे हुए हैं। देखो M आपका 13 पे होता है, लिख दिया 13, A आपका 1 पे होता है, ये भी आपका लिख दिया, G आपका 7 पे होता है, वो भी लिख दिया, E आपका 5 पे होता है, लिख दिया, रियल नंबर लिखे हुए हैं, आप भी इसके रियल नंबर लिख दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। V आपका 22 पे होता है, लिख दिया हमने, I आपका 9 पे होता है, लिख दिया जी, S आपका 19 पे होता है, ये लिख दिया, C आपका 3 पे होता है, लिख दिया, O आपका 15 पे होता है, U 21 पे और S आपका 19 पे। आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा आंसर सही है, 22, 91, 93, 15, 21, 19, चौथा ऑप्शन सही है, चेक कर लीजिए जल्दी से। चलो बहुत सुंदर, अब एक बार लाइक कर दीजिए जल्दी से क्लास को, आगे क्वेश्चन जब ही चलाता हूं मैं, आपने लाइक नहीं करी आज क्लास बिल्कुल भी, जल्दी से लाइक कर दीजिए, अगला क्वेश्चन जब ही आएगा आपके सामने जल्दी से 750 से ऊपर पहुंचा दो इसको जल्दी से। अरे वाह, एक ही सेकंड में 750 पार कर दिए, बहुत सुंदर, जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को। चलिए थोड़ी सी और हिम्मत दिखा दो, 800 पे पहुंच जाएंगे, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें खेल रही हैं, अगर हर टीम हर दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलती है तो टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से बताइए। भैया अच्छा पढ़ाते हैं तो लाइक भी कर दीजिए क्लास को जल्दी से। राहुल गुज्जर, कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत होती है भैया, तो आप क्लास ले सकते हो उसकी कोडिंग डिकोडिंग की। चलिए, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें भाग लेती हैं, अगर हर दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है तो टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रतियोगिता वाली कंडीशन के लिए, प्रतियोगिता में जो भी टीमें हिस्सा लेंगी, प्रतियोगिता में जो भी टीमें आपका हिस्सा लेंगी, वो आपका फॉर्मूला होता है आपका N इंटू N माइनस वन अपॉन टू,
ये आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, वही सेम कंडीशन है जो आपकी हाथ मिलाने वाली कंडीशन होती है, हैंडशेक, हैंडशेक की कंडीशन जो आपकी होती है वो ही है ये, बिल्कुल n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो 14 टीमें भाग ले रही हैं, तो आप 14 इंटू 14 में से एक गया बच्चों आपका तेरह, और आप इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 2 से 7 बार गया और 13 सत्ते 91, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही हो गया, 91। इसी के साथ आप गिफ्ट वाला भी लिख लीजिए, कभी कभी ये गिफ्ट वाला भी आ जाता है आपके सामने, गिफ्ट के किसी पार्टी में 10 व्यक्ति मौजूद हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, तो उसका उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप एन इंटू एन माइनस वन, बस केवल इतना होता है उसका फॉर्मूला। हो सकता है कहीं आगे मिल जाए आपका, भरत शर्मा, सूरज मंडई, चलो प्रजापति कल मिलते हैं, ठीक है ना। आंसर आपका 91 हो गया, बिल्कुल दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना आप जी, बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।